बंद कर देना। चुप रह। तूने बेटी की शादी के लिए ब्याज पर पैसे लिए थे ना, वो पैसे अभी चाहिए, कल तक पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो तेरे घर पे आके पैसे वसूल करूंगा। मुरली, ओए, गेट खोल बे। बंद करने के लिए बोला है। किसने बोला बंद करने के लिए? अरुण ने। शांति से काम करने वाली जगह पर बिना इजाजत आना गलत है। हजारों के बीच एक को मारना ये भी गलत है। सबसे बड़ी बात, पिता के समान किसी इंसान को गाली देना बहुत बहुत गलत है। ए, तू कोई बहुत बड़ा भाई वाई है क्या? अन्याय करना भगवान को पसंद नहीं, गलत बात अरुण को पसंद नहीं। अरुण क्या बहुत बड़ी तोप है? मुझे देख कर बोल। तू बहुत बड़ी तोप है क्या? मेरी आँखों में देख कर बोल। तू बहुत बड़ी तोप है क्या? दोबारा से वर्कर्स पर हाथ उठाया तो हाथ काटूंगा। रमेश चाचा, बेटा कितने देने हैं? 50,000 लिए थे, उसमें से 38,000 दे दिए हैं, सिर्फ 12,000 बचे हैं। 12,000 रुपए रमेश चाचा के लिए एक बड़ा कर्ज है, हम सबके लिए सिर्फ एक दिन का खर्चा है। उनकी सहायता के लिए मैं 50 रुपए दे रहा हूँ। खत्म हो गई जी, अब तो शांति पाठ चल रहा है। आपका काम है फूंक मारना और उसका काम प्रभाती लगाकर सोना। हम भले ही फूंकते हो लेकिन हम इस धंधे के खुद मालिक हैं। शादी के बाद भी पिता का कहना मानकर ये सब काम करने वाले हैं। ये सब सोना है, वही एक लोहा है, मेरा नाम खराब करता रहता है। मेरे लिए तो चारों बेटे एक समान है। अपनी बेटे की ज्यादा तरफदारी की तो 53 साल की उम्र में मायके जाना पड़ेगा। चाचा चाचा, आपको इडली चाहिए या पराठे? दादी पूछ रही है। इडली चलेगी, बोल दे। ओके। चाचा जी, आपको रायता चाहिए या टमाटर की चटनी? मम्मी पूछ रही है। व्हाइट रेड टमाटर की चलेगी। टमाटर की चटनी, वो तो रोज चाहिए इसे। चाचा जी, कौन सी शर्ट पहनिएगा? प्रेस करनी है। वहाँ कुर्सी पर रखिए। ठीक है। प्रभाती लगाकर सोते रहता है, तेरे पिताजी किटकिट करते रहते हैं। मैं क्या करूँ माँ, रोज 4 बजे उठकर प्रभाती लगा देते हैं। वो गाना सुन सुनकर आदत पड़ गई है, उस गाने के बगैर नींद नहीं आती। इतना ही नहीं, तुम्हारे पति को गाना नहीं सुनना पड़े इसीलिए लगा देता हूँ। माँ, दुकान के पास बैठा हूँ, खाना तैयार हो जाए तो बता देना। दोपहर को क्या? चिकन तंदूरी। ठीक है। चाचा, बड़ा वाला थैला लेकर जाना और बड़ा चिकन लाना। क्यों जी, सिर्फ छुट्टी के दिन ही तो वो दोपहर का खाना घर पे खाता है, उसके पसंद का बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? हे रविंद्र, सुंदर ने दुकान खोल ली क्या? दुकान नहीं खोली भैया, कान छेदने के लिए दूसरे गांव गया है।
नाश्ता अपने घर और चाय हमारे घर। हाँ हाँ, तेरे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है। लगता है ये चाय तूने नहीं बनाई, इसके पिताजी ने बनाई होगी। ओए, जाकर अपना काम कर। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है। जानता हूँ मेरी माँ। पैर को बाहर रखो तो पब्लिक है और अंदर की ओर रखो तो प्राइवेट है। टमाटर, बैंगन, भिंडी, घिया, फ्लावर, तुरई, अमिता, दो दिन दिखाई नहीं दी। कुछ खास बात नहीं थी, मुझे देखने वाले आए थे। अच्छा, लड़का पसंद आ गया। खाने के लिए भजिया समोसा दिया तो पीने के लिए बियर ब्रांडी मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? होगा क्या, बाबूजी ने ऐसी मार लगाई कि उसके बाद उन्हें सीधे अपने घर की बस नजर आई। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर ले। मजाक मत कर अरुण, मैं अब कभी शादी नहीं करने वाली। फिर? किसी से प्यार करने की सोच रही हूँ। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ तू। ये कहना कि तुझे जलन हो रही है। ए, जरा मेरी बात तो सुन। ए, रुक बे, सिग्नल तोड़ के कहाँ जा रहा है? क्या लोफरों की तरह गाड़ी चला रहा है? इधर आ बे। अरुण रहने देना प्लीज। अरे पहले माल पकड़। प्लीज रहने देना, पुलिस वाले हैं यार। पकड़ने को बोला ना। अरे इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। क्या कहा? ए, यहाँ रुकने को बोला तो वहाँ जाके रुकता है, ऐसे क्या घूर रहा है? अन्याय करना भगवान को पसंद नहीं, गलत बात अरुण को पसंद नहीं। पसंद नहीं तो क्या कर लेगा? मुझे देख कर बोल। क्या कर लेगा तू? मेरी आंखों में देख कर बोल। क्या कर लेगा तू? चल उसका नंबर नोट करो। अरे हम क्या तुझे गांव से आए हुए किसान लगते हैं? चेहरे से ही दिख रहा खेती करने वाले। तुमका खींच कर नाक से खून निकल आएगा, ध्यान रखना। गाड़ी बंद हो गई, थोड़ा धक्का मार दीजिए ना प्लीज। ओए भोपू, तुमसे बोल रहा हूँ। चल। हाँ भाई। थैंक यू सर। हाँ बहुत थैंक्स। क्या कहा? थैंक्स? इन्हें देखो सर, कितनी चर्बी चढ़ी है, खुद अंदर बैठकर हमसे गाड़ी को धक्का लगवा रही है। नीचे उतरने से क्या पैरों में छाले पड़ जाएंगे? अरे क्या कर रहे हैं आप? इन दोनों को धक्का लगाकर गाड़ी ले जाने को बोल। थोड़ा वजन हाँ? कम होगा, जरा भी अकल नहीं है। बाजार में जैसे तरबूज पड़ा रहता है, दोनों वैसे ही बैठी हुई है। सही बोल रहे हैं। हाँ? मेरा एक पैर नहीं है, इसलिए मैं बाहर आकर धक्का नहीं लगा सकती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि आप अपाहिज हैं। कोई बात नहीं। मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, मैं जो मन में आता है वही बोल देता हूँ। आप बुरा मत मानिएगा, ये सारी इसकी गलती है। आप जाइए, बैठिए। मैं चलती हूँ। सॉरी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। प्लीज बैठिए। चल धक्का लगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। जब तक दीदी आपका पैर नहीं है, ये कहकर उन्हें बेवकूफ क्यों बनाया? हमें क्या कहा था, इसीलिए उनसे बदला लिया। मुझे लगता है वो इसी एरिया में रहता है, तो कहीं पकड़े न जाए। चल छोड़। सब लोग तो ब्रश से दांत घिसते हैं, ये ब्रश से पत्थर क्यों घिस रहा है? कहीं वो मुंह से दांतों को निकाल कर तो नहीं घिस रहा? ए, जरा उधर देख, एक लड़की अपने साथ छोटा सा हाथी लेकर आई है। चल चल कर देखते हैं। हमारे पास कार से भी ग्राहक आने लगे हैं। आओ आओ बहन, आओ आओ। क्या चाहिए आपको? 3 पैकेट नमकीन। ठीक है। 1 पैकेट चाय की पत्ती। क्यों भाई, ये तुम्हें कोई जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है? तो ये किस चीज की दुकान है? पीछे नहीं देखा, लक्ष्मी ज्वेलर्स बाजार। तो फिर लक्ष्मी के आने पर ही दुकान खोलते होंगे। अच्छा ठीक है, लिस्ट लिख लो। 1 किलो बिछुआ, 1/2 किलो नथनी, 250 ग्राम झुमकी। जरा सुनेंगी, इसमें एसिड मिला हुआ है, ये अगर तुम्हारे ऊपर फेंका तो खून ही खून दिखाई देगा। दोनों तुम क्या चाहिए? सामने रहने आए नए किरायेदार हैं। इसका नाम वैशाली है, मेरा नाम किरण है। मैं सुंदर हूँ, 2 साल अंदर रहा हूँ। दिखने में तो बंदर है। अभी अभी आई और मुझसे लड़के गई। ए कन्नू, सब्जी लाने में इतनी देर लगा दी। किरण नाम रखकर लड़कों जैसे कन्नू कन्नू नाम से मत बुलाया करो। अब बुलाना ही था तो मेरे नाक कान क्यों छिदवाए? नहीं चाहिए तो उतार दे। छेद को कैसे बंद करूं? अरे चूना लगा के बंद कर दे। दोबारा फिर से कन्नू कहकर बुलाया ना तो बिना देखे एक दूंगी बस। एक देगी बस? कल अपने घर में सबको बुलाना है, आस पड़ोस में कहकर आ। वो सब हम सुबह बोल देंगे। अच्छा माँ, नासिक से मुंबई आने के बाद रंगून में अपने पति को लिखकर भेज दी या नहीं? लिखकर भेज दी। दीदी वैसे माँ और हम एक से ही हैं। हम करस्पोंडेंस से पढ़ाई कर रहे हैं और माँ करस्पोंडेंस से पिताजी से प्यार कर रही है। मालिक, 1 महीने पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे, आज वापस करने आए हैं। ये लीजिए मालिक पैसे।
जब तुम्हें खुजली हो तो मुझे खुजली की दवाई देने वाला पागल समझ रखा है। मुझसे पैसे लेकर एक साल के बाद तुम मुझे पैसे वापस कर रहे हो। आज तक का ब्याज दो। 10% पर लिया था, एक साल तक ब्याज देता रहा तो मूल कब चुकाऊंगा मैं? घर गिरवी रखकर तूने पैसे लिए थे ना, अब जा यहां से। अभिरामी थिएटर के मालिक, थिएटर कैसा चल रहा है? शनि रवि को तो हाउसफुल जाता है, बाकी के दिन गिने चुने आदमी आते हैं। गिने चुने मतलब? फिर घर पर विसरी में लोगों को दिखाओ ना, थिएटर क्यों चलाते हो? क्या कहे? मुझे वो जगह चाहिए, वो हमारी खानदानी जायदाद है। खानदानी जायदाद है तो क्या तेरे मरने के बाद उसमें तेरे मरने की फिल्में दिखाएंगे? नहीं, मैं उसे तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहा हूँ। अरे उसी के लिए मैं भी मांग रहा हूँ। रेट तय करके लिखा पड़ी कर ले भाई, पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं। छोटा एमएलए है, बड़ा भाई पार्टी का अध्यक्ष है, दोनों ने मिलकर शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला कर लिया है। गांधीपुरम का कृष्ण मूर्ति, प्रहलाद नगर से रामचंद्र, सब एक साथ आए हैं। जरा एक मिनट और रुकिए। दीजिए डैडी। हाँ अब जाइए। क्या देख रहे हो पंडित, राजनीति का अंडा है इंसानों पर भी फूटता है, पंडित के सिर पर भी। पूछने वाला कोई नहीं है इसलिए उछल रहे हो। स्वागत है। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? राज्य की सेवा करने वाले आज मेरी सेवा करने के लिए आ गए हैं। भाजपा, रानपा, लासपा, पक्ष, विपक्ष, निर्दलीय, अरे हमारे देवराज भी एक जगह पर टिक कर बैठे हुए हैं। और बताओ क्या बात है? कल आप विधानसभा में जा रहे हैं ना, इसीलिए सब मिलने के लिए आए हुए हैं। वो लोग कौन है? भाई इन्होंने ही कलेक्टर से कंप्लेंट की। ए, मेरे पास आओगे तो समस्या विधानसभा तक पहुंचेगी, और कहीं जाओगे तो भी घूम फिर के मेरे ही पास आएगी। वैसे समस्या क्या है तुम्हारी? हमारे एरिया में सही से पानी नहीं आता है। ले जा, ठीक से अंदर ले जा। ए, ए, संभाल क्या कर रहे हो? पानी के लिए बोला था, पानी के टैंक के लिए नहीं। कलेक्टर से पानी के लिए कहा था ना, पानी भरता रहा। हमारे एरिया में रोड सही नहीं है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? घर के सामने टावर के ड्रम क्यों रख रहे हो? चाहिए ना, टावर आ गया है, अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। तो बता, अरुण चाहिए। साइकिल वाले गाना गाते हैं, बाइक वाले लड़की घुमाते हैं। मुझे अभी के अभी अरुण चाहिए। अरुण चाहिए तो मंदिर में जाकर शंकर जी के हाथ जोड़, नहीं तो जमीन पर लोट। मारूंगा तुझे। है बड़े भाई से ऐसे बात करते? हाँ, ऐसे बात करूंगा। तू बड़े भाई की जरा भी इज्जत नहीं करता। किसका बड़ा भाई है तू? खुद को बड़ा भाई बोलता रहता है तो बड़ा देखा है कभी अपना? किसने इसका नाम सुंदर रख दिया पता नहीं। अंकल आपके घर में लेडीज नहीं है क्या? जानकी आ रही हूँ। क्या चाहिए बेटी? माँ जी हम सामने वाले घर में रहने आए हैं, आज घर पर पूजा है, आप सब जरूर आइएगा। मैं नहीं आ सकती बेटी, तुम सब चले जाना। हाँ लेकिन आप बड़ी हैं, आप आकर पूजा करेंगी तो अच्छा होगा। ठीक है मैं भी आऊंगी। ये लेंस लगा कर क्यों देख रहे हैं? पत्थर छोटा है ना इसलिए। पत्थर बड़ा होगा तो बिना लेंस के भी देख सकते हैं ना। सिर्फ आप दोनों ही हैं, आपके पति नहीं आए? जी वो रंगून में बिजनेस करते हैं, 3 साल में एक बार आ जाते हैं। अरे आप यहाँ पर कैसे? यही हमारा घर है, हम किराएदार हैं। ओ ऐसा क्या? ठीक है ठीक है, आप जाइए पर जरा संभाल कर देखिए। ठीक है ठीक है। नमस्ते। अरे माँ आज तो मुझे नाश्ता दिए बगैर कहाँ चली गई? किराए पर रहने आए हैं, उन्होंने पूजा रखी थी, बेचारी ने एक पैर पर खड़े होकर हमें बुलाया। बेचारी उसके एक ही पैर है माँ। चलता हूँ। दादी टाटा। दादी एक पैर, ये क्या बोलकर चला गया? उसके तो दोनों पैर थे ना। हाँ थे। ए, तू अपने आप को समझता क्या है? हम जो पैसा मांग रहे हो तो सीधी तरह से दे दे, जानता है हम कौन है? हमारी वजह से तू जिंदा है, नहीं तो तू कब का ऊपर पहुंच गया होता। हम तुमसे बात कर रहे हो, तू फोन कर रहा है क्यों बे? चर्बी चढ़ी है, सारी चर्बी उतार दूंगा। सेठ जी आपने मुझे बुलाया क्या? आओ कुमार। नमस्ते। मैं अगर अचानक से मर गया तो उसका कारण यही लोग होंगे। यह क्या कह रहे हैं ये लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं? अरे सुनो एक मिनट रुके मैं अभी बात करके आता हूँ। अरे रुको 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 भाई, अरे रुको, अरे अरे सफेद कपड़े वाले तुम्ही से, अरे रुको भाई एक मिनट। अंदर आपका चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं पाया था, अब देख लिया, आप जा सकते हैं। एक मिनट सुनिए, एक छोटी सी बात है, सुनकर चले जाइएगा। मेरे सेठ को अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोग याद रखना, एक साथ मैं तुम सब लोगों को हलाल करके रख दूंगा, हलाल। हम समाज जनता पार्टी के आदमी हैं, हमसे टकराएगा तो जानता है ना क्या होगा। भाई साहब तुम लोग घूम घूम कर वोट मांगते हो और हम लोग वोट डालते हैं। हमारी इस कंपनी में 5,000 लोग हैं, परिवार को मिलाएंगे तो 20,000 के ऊपर। अगर हम चाहे तो एक MT को MLA बना सकते हैं और एक MLA को MT बना सकते हैं। तुम्हारी धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ हमने ऐसी बहुत धमकियाँ देखी है। निकल लो, सोना इसी में है, जल्दी ढूंढो कहीं वो आना जाए। सुंदर क्या कर रहे हैं आप? कचरा साफ कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा इतने दिनों से तू ही चोरी कर रहा था?
तू मुझे चोर बोल रहा है? अपने घर में मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्यों जी, मैं यहाँ से थोड़ा सा कोयला भी नहीं चुरा सकता। वैसे भी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बाहर सोनार की दुकान खोल कर दिया ना? दुकान करते रहते हो, सुंदर नाम मेरा है और खुद सुंदर बने घूमते रहते हो। मुझे वो खोखे वाली दुकान देकर बाकी जायदाद खुद हड़पना चाहते हो? बक बक बंद कर, तुझे कान छेदने का काम भी तो दिया है। कौन सा बड़ा काम दे दिया है मुझे? कान छेदने के 500 मिलते हैं, उसमें से 450 तुम ले लेते हो और कहते हो बड़ा काम दे दिया है मुझे। कहना क्या चाहता है तू? क्या करेगा तू? रिश्ता बिगाड़ रहा है। रिश्तेदारी गई भाड़ में, जायदाद का बंटवारा करो। जायदाद? कौन सी जायदाद? कौन सी जायदाद? अकोला में 80 एकड़ है ना, उसमें से 40 एकड़ तुम रखो, 40 एकड़ मुझे दो, मैं चला जाऊंगा। हम चारों के लिए 40 एकड़ और तू अकेले के लिए 40 एकड़। जल्दबाजी करके 4 बच्चे पैदा किए। मेरे बाप ने सोच समझकर एक ही पैदा किया, वो भी असली मर्द। पिता के बारे में कुछ मत बोला, पहले ही बोलता हूँ। बड़ा है बोलने वाला। ठीक है, थोड़ी सी जगह के लिए सब लोग मुझे मार रहे हो, इसकी वजह बड़े पापा ही है। बड़े पापा, तेरी लगाऊंगा मैं बड़ी सिवाट। रहने दे, जा रहा हूँ मैं। आई, ऐसे क्या देख रहे हैं? बेटी, लाल रंग की ड्रेस इस किरण को पसंद नहीं है। बेटी, तो क्या अब हम इसके हिसाब से कपड़े पहन कर आए? कुत्ते को तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है और इसको सब कलरफुल दिखाई देता है। दीदी, बात मत करो, चलो यहाँ से। ओए, साउंड इफेक्ट मत दे, ये बाल्टी मारी ना तो तेरा ब्लड इफेक्ट निकल आएगा। पता है ये कौन है? हमारे एरिया के नए किराएदार, इन्हें भगा रहा है तू? ओह, समझा। बेचारी इस लड़की ने लाल साड़ी पहन रखी है, इसलिए एक अपाहिज लड़की को भगा कर तू अपाहिज। अरे अभी तो आप दौड़ कर आई ना? नहीं तो मेरा तो एक पैर नहीं है ना, तो मैं कैसे दौड़ूंगी? रुकिए, सोच कर बताता हूँ। नहीं जी, आप तो दौड़ कर ही आई थी। मैं तो अपनी बहन का कंधा पकड़ के जंप करने में आ रही थी। लगता है इस ड्रेस की वजह से आपको गलत फहमी हो गई है। सॉरी, आप जो कह रही है सही होगा। आप जाइए। कोई बात नहीं, दौड़ कर आई थी। एक ही पैर है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। राजू बाबू, आज से तुम ही मेरे नए अध्यक्ष हो। राम बाबू जिंदाबाद, राम बाबू जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद। नेताजी, आज से आपकी पार्टी में शामिल होकर एक साधारण सेवक बनकर आपकी पार्टी को ऊपर तक ले जाऊंगा। तुम्हारी पार्टी मेरी पार्टी क्या होता है? ये हमारी पार्टी है। तुम्हारे जैसे विश्वास पात्र लोग रहे तो मैं राज्य तो क्या, दिल्ली भी हासिल कर लूंगा। विपक्ष की पार्टी में होकर सभा में तू मुझे गालियां देता है? उस रामजी लाल सुमन ने तेरा कितना भरोसा किया था और उसको धोखा देकर तू मेरी पार्टी में चलाया। कल तू मुझे भी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है। पार्टी में शामिल होने पर तुझे इतना मार रहा हूँ, पार्टी छोड़कर गया तो सुला दूंगा मैं तुझे। मैं हमेशा के लिए आपकी पार्टी में रहूंगा नेताजी। बाहर प्रेस वाले वेट कर रहे हैं, शर्ट बदल ले, चेहरा साफ करके फोटो खिंचवा ले जल्दी जा। नेताजी, छोटे भाई का फोन। भैया। हाँ बोल छोटे। मैंने ऑफिस के लिए एक जगह देख ली है। ये अच्छा किया, आपको उद्घाटन करना है? ठीक है, कर दूंगा। आनंद राम, तुम्हारे घर पर समाज पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया, उससे पार्टी का ऑफिस बनाने वाले हैं। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जब मुंबई आऊंगा तो बात कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब मैं डालूं? चल डाल, डाल कर दिखाती हूं। तू ध्यान से देखती जा। तू तो गई, तू तो बाहर होने वाली है, तू देखती रह। अब जरा तू खेल कर दिखा, हम दोनों फिर एक साथ बाद में खेलेंगे। तेरी तो दांत तोड़ दूंगी। जा उधर देख। ओए ओए, काम छोड़कर सामने की लड़कियों को देखता है। एक बात जानते हो, सामने की लड़कियां बहुत अच्छा लंगड़ी खेलती हैं। बेचारी है वो, एक पैर है तो लंगड़ी टांगी खेलेगी ना। एक पैर है, किसकी बात कर रहा है? इसी किरण की। दोनों पैरों से खेलते हुए मैंने उसे देखा है, कह रहा है एक पैर है। मैंने भी देखा है। ए, क्या हो गया है तेरे परिवार को, क्या हो गया? बाप के बारे में बोलता हूँ तो भाई मारने आते हैं और तू उसके दोनों पैरों को एक पैर कह रहा है, पागल समझ रहा है? एक ही पैर है। चालू हो गया है, चल तेरा शक दूर कर देता हूँ। चल आ जाना।
क्यों रुक गई वैशाली देवी? झूम झूम कर नृत्य करो, पूरा आंगन हिला दो और सर्वनाश कर दो घर का। तू अपना मुंह बंद रख। ओके। सच में मेरा एक ही पैर है। एक पैर है या दो पैर, अभी पता चल जाएगा। बुलाओ उसको। किरण, किस लिए? ए किरण, भगा 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 ए भगा 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 पकड़ पकड़ भगा ए पकड़ पकड़ पकड़। सुनो, कल अपने डॉक्टर साहब के घर में शादी है, तुम सुंदर के साथ वहाँ हो आना। अरे वाह, क्या बात है बेटी, घर से बाहर निकलते ही महालक्ष्मी के दर्शन हो गए। ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सब सोना खरीदने शहर जा रहे हैं। पर सब लोग एक साथ साथ में पैसे लेकर जा रहे हैं ना, इसलिए अंदर आओ ना बेटी। आओ, हमारे यहाँ इतनी पानी की दिक्कत रहती थी कि मैं और वैशाली रोज बर्तन लेकर भागते थे। ऐसी बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। सुबह आपके यहाँ शादी है और आप इस वक्त यहाँ? भाई साहब घर पे हैं? नहीं है, वो शहर गए हुए हैं। क्या बात है? एक छोटी सी समस्या है, आज शाम को पूजा करते समय तक मंगलसूत्र था, उसके बाद गायब हो गया। रिश्तेदारों में से ही किसी ने लिया होगा, लेकिन किसी पर शक करके उसकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते? पंडित जी कोई ना कोई उपाय तो जरूर बता देंगे, लेकिन मंगलसूत्र चोरी होने की बात पता चल गई तो सब अपशगुन समझेंगे। भाई साहब ने ही मंगलसूत्र बनाया था, सुबह तक वैसा ही एक मंगलसूत्र बनाना होगा। आपकी परेशानी मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस वक्त घर के सब बाहर गए हुए हैं। ये लो अरुण तो आ गया, इसी को बनाने के लिए बोल दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, इस वक्त यहाँ कैसे? जरा सुन। क्या है माँ, आप सब इतने परेशान क्यों? सुन, तुझे हुँ? एक मंगलसूत्र बनाना होगा। क्या माँ, सब कुछ जानती, मुझसे नहीं होगा। क्या कह रहा है, मेरी बात को सुन, सब कुछ भूलकर अभी मंगलसूत्र बना। नहीं कर सकता माँ, मैं नहीं बनाऊंगा। ऊंची आवाज मत कर, वो वहाँ खड़े हैं, बहुत जरूरी है बेटा तुझे बनाना। मैं नहीं बना सकता। माँ की बात नहीं मानेगा, हमारे भरोसे पर वो यहाँ आए हैं। मेरे हाथ छोड़, मैं जा रहा हूँ। कल सुबह उनकी घर में शादी है, तुम्हें बनाना। मैं नहीं बना सकता। माँ का कहना नहीं मानेगा। मैं नहीं बना सकता। नहीं होगा, नहीं होगा। तो जा, अपना चेहरा कभी मत दिखाना मुझे। हाँ, अब तुम अब मुझसे कुछ कहने की जरूरत मत कर, ठीक है? बनाता हूँ। कल सुबह हम आकर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, इन्हें मंगलसूत्र बनाना आता है? मंगलसूत्र ऐसा कोई काम नहीं जो ये ना जानता हूँ। एक ही जगह बैठकर ये दिन भर में हजारों रुपए कमा सकता है, लेकिन सिर्फ 4,000 रुपए के लिए मिल में काम करता है। जिद्दी कही। पर क्यों माँ जी? क्योंकि गलत बातें से पसंद नहीं है। अरे बड़े, वो हीरा देवी गंगा ज्वेलर्स की चेन बनकर तैयार हो गई क्या? उसे पार्सल करके इसको दे दे, और देख ध्यान से जाना और देकर आना। ठीक है पिताजी। कैसे गायब हो सकती है? दो चेन चुराने वाला 8 चेन को छोड़कर कैसे जा सकता है? पता नहीं पिताजी। अरे बोल कि तू बेचकर खा गया। पता नहीं चलता नहीं ये मत बोल। पता नहीं तो कैसे बोलूं? पता है, जबान भी चलती है, हाथ भी चलाता है। चेन बेच कर किसी लड़की को पैसे दे आया है, इस पर है कि गलत बातें मत करिए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है। मैं चोर हूँ ना, मेरा हाथ गंदा है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे सोने को हाथ ही नहीं लगाना है। अरुण, वो चैन मैंने चुराई थी, इसके घर में परेशानी थी, पिताजी से मांगता तो वो नहीं देते, इसलिए मैंने। हे भगवान, तेरी वजह से इसके ऊपर इल्जाम लग गया। चल पिताजी, रहने दो। सुनो माँ, उन्हें कुछ मत कहो, मेरी बेइज्जती मेरे साथ चली जाएगी। इन्हें कुछ कहा तो भाभी के परिवार को बेइज्जत होना पड़ेगा। रहने दो, इस बात का किसी को पता ना चले। उस दिन जो छोड़ा था, उसके बाद आज ही वो सोने को हाथ लगा रहा है। मेरा बेटा अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहता है, महीने के महीने अपनी पगार मुझे दे देता है, बाकी सिर्फ वो खाने और सोने के लिए ही इस घर में आता है। तुम यही रुको बेटी।
माँ। हाँ बेटा। लंबाई कितनी रखनी है, 7 या 8? पूछना भूल गई। ए किरण। हाँ? इधर आ। हाँ? बैठ। पेडल मार, पेडल मार। सुबह सुबह ऐसे चेहरों के दर्शन हो रहे हैं, रोज ऐसे ही देखने को मिले तो आंखों को कोई बीमारी नहीं लगे। देखती है। पेडल चला ना, तू छोड़ दे, इससे अच्छा तो मैं चला लूं। मैं छोड़ देती हूँ। किरण, ए किरण, माँ बुला रही है। अरे मैं जाती हूँ। अरे किरण, किरण तू चला रही थी तो मैंने पकड़ा था, मुझे कौन सिखाएगा? अरे मैं हूँ ना वैशाली। तू? हाँ मैं ही। तू साइकिल चलाना जानता है? क्या बोली? साइकिल चलाना जानता हूँ। अरे मैं क्या क्या चला सकता हूँ लिख लो। मोटर बाइक, कार, ट्रक, बस, रेल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, स्पेस क्राफ्ट। साइकिल चलाना जानता है? तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो और क्या, झूठ बोलकर मुझे साइकिल पे बिठा देगा और फिर किसी पे साइकिल चढ़ा दी तो? तुझे किसी के ऊपर चढ़ा कर मैं जेल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे तू मेरी बात मान ले वैशाली। तो पहले चला कर दिखा। ठीक है अभी दिखाता। बड़े पापा। गंदी नाली के कीड़े तू। झूठ कहा था ना साइकिल आती है। माता का जागरण है, उसके लिए चंदा चाहिए। तुम लोगों को देखकर तो लगता नहीं कि तुम सब किसी मंदिर से आए हो। मंदिर क्या दिखाने के लिए घंटा बजाकर घूमे? चलो पैसे डालो इसमें। ये क्या 50 रुपए डाल रहे हो? 500 रुपए डालो। जो मुझसे बन पड़ा वो मैं दे रहा हूँ। ये नकली चांदी सोना के गहने बनाकर लोगों को चूना लगाता है। 500 रुपए देगा तो मंदिर में जागरण करेंगे, नहीं तो तेरे खून से अभिषेक करेंगे। ओ बड़ी इधर आ। तू बाहर निकल, तेरे हाथ पैर तोड़कर भेजेंगे। उसके बाद तू 500,000 रुपए हॉस्पिटल में भरता रहना। अरे तू बाहर निकल। कैसे लोग हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भैया क्या हुआ? पिताजी को कुछ लोग बेइज्जत करके गए। कौन थे? मंदिर से आए थे। बोलो ना भैया। अरे दादा तेरे को बोला ना, समझ नहीं। भगवान के नाम पर पैसा मांगता है और ऊपर से गुंडागर्दी भी करता है। अरे माफी मांगो, माफी मांगो, कोई बात नहीं, माफी मांगो। चलो यहाँ से, दोबारा इधर दिखे ना। तू कभी नहीं सुधरेगा क्या? कब तू ये सब करना छोड़ेगा? सुनिए जी, अब शांत हो जाइए। वो चंदे के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे थे और ये गुंडा उनसे झगड़ा कर रहा है। क्यों रहे? ऐसी हरकतें क्या शरीफ घर के लोग करते हैं? दूर रहने के बजाय उन्हें मारपीट कर यहाँ ले आए गुंडा। ये बेशर्म क्यों हमारी नाक कटवा रहा है? तू चाहता नहीं क्या कि मैं इस कॉलोनी में इज्जत से रहूं? इतना बोले जा रहा हूँ लेकिन ये चुपचाप पुतला बनकर खड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से आया है ये हमारी किस्मत। बहन जी, ताजी मछली है, आप भी ले लीजिए।
हम लोग ब्राह्मण हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं। ओहो, मैं जो कह रही हूँ गलत मत समझना। ये समय ऐसा है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है। मैंने तो यही देखा है। उसके पिताजी ने कितना कुछ कहा लेकिन उसने पलट के जवाब नहीं दिया। आपका बेटा हीरा है, उसे संभाल कर रखिएगा, कुछ मत कहिए। भाई साहब से कहना कि सबके सामने उसे ना डांटा करें। मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। मैं बोलती जा रही हूँ, तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? ओए ज्यादा मत बोल, नहीं तो सारी चर्बी उतार दूंगा। मेरे चार चार भाई हैं, अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? सुबह सुबह आपने दांत साफ नहीं किया क्या? क्यों? क्यों? तभी तो ऐसी सड़ी बातें बोल रही है। मेरे चार चार भाई हैं, किस लिए मेरी अर्थी उठाने के लिए क्या? माँ, इकलौती बेटी हूँ तुम्हारी, तुमने कितने प्यार से पाला था और एक तुम्हारा जाई मार मार के यहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? आइए पिताजी देखिए, पूरे शहर को आप सोने का मंगलसूत्र देते हैं और अपनी बेटी को आपने सादे धागे का मंगलसूत्र दे दिया। अरे मैं क्या बताऊँ मेरी जिंदगी। अरे अरे कोई ऑटो वाले को जाके पैसे दे के दफा करो। मैं देता हूँ बेटा, सुन बेटा, अपनी दीदी माँ ये यहाँ पर इतना चिल्ला रही है, पता नहीं वहाँ क्या बोला होगा। ठीक है, तू वहाँ लेकर तो जा, और कोई लेकर जाएगा तो तेरे जीजा जी नहीं सुनेंगे। अरुण कुमार, इतना चिल्ला रही हूँ कि भगवान ने भी सुन लिया होगा, और एक तुमो की तुम्हें सुनाई नहीं देता। चुप, मुंह बंद। मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, इंसान नहीं है वो, हर बात में मुझे मारता है, किसी से नहीं डरता, बस तुमसे डरता है। तुम ही किसी उसे को भी नहीं छोड़ूंगा, चर्बी उतार दूंगा, काट कर फेंक देना, यही तो हमारा स्टाइल है। खाना लो भैया। ये क्या भैया, बाहर से खाना मंगा कर खा रहे हो, भाभी नहीं है क्या? हाँ, इज्जत को बेच कर दोपहर का खाना खाना पड़े तो ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहिए। भैया लगता है भाभी। अरे वो कहाँ आएगी, अरे से पकड़। साले साहब अपनी दीदी को घर पर छोड़कर आते, ये लीजिए चाबी। क्या भैया, अभी तो आप ऐसे शेरों की तरह दहाड़ दहाड़ कर बोल रहे थे, साले को देखते ही आपकी आवाज भीगी बिल्ली जैसी हो गई, क्यों? और नहीं तो क्या, जानते हो उसे? 12 साल की उम्र में प्लान बना के बदला लिया था मुझसे उसने। कैसे भैया? एक बार मैंने उसकी दीदी को डैन कह के बुलाया था, वो भूला नहीं। उसने चचेरे भाई सुंदर को मारने का नाटक करके उसे मारने के बजाय मुझे पत्थर से मारा था, देखो अभी तक यहाँ पे निशान है। अरे जरा एक बार तो उसे गलत बात करके देखो, कभी छोड़ने वाला नहीं है वो, बहुत समझदार है, देखना एक दिन इस शहर में बहुत नाम कमाएगा वो। ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी अंगनन बिरयानी की दुकान पर? ये लीजिए आपका पार्सल रेडी है। अरे बाप रे, खुद को ब्राह्मण बता रही थी, बिरयानी लेकर जा रही। सुंदर। हाँ? किरण बैग में क्या ले जा रही है? अरे कुछ साग सब्जी लेकर जा रही होगी। ओए, साग सब्जी के पीछे कुत्ता पड़ता है क्या? चिकन के पीछे पड़ता है। भाई वो विशुद्ध पंडित है। ए वैशाली, रसमलाई लेकर आई हूँ, पानी की बोतल लेकर ऊपर आ दीदी। सुन लिया ना, रसमलाई है क्या? बिरयानी की दुकान पर रसमलाई मिलती है। अच्छा, मुझे मिला है लग। पिछली बार तुमने खाया था, इस बार मुझे चिल्ला मत। एक पैर भी माँ ने देख लिया ना तो पैर काट देगी। तू छोड़, एक एक करके कितने प्यार से पैर खाए जा रहे हैं। मेरी बात का विश्वास नहीं था ना तुझे? देखिए आप कैसे ऊपर आए, मैं शोर मचाऊंगी। मचा, तेरी माँ भी आएगी, वो भी चिकन बिरयानी देख लेगी। अरे बापरे, लेग पीस कैसे खाते हो तुम? इस चिकन बिरयानी को रसमलाई कहता है। अरे भाई, तुम आदमी को तंदूर बना सकते हो, बियर को छाछ बना सकते हो, तुम बिरयानी को रसमलाई नहीं बना सकते हो, तुम ही से कह रहा हूँ। अरे हट। ये चिकन बिरयानी कब से चल रहा है? जब मैं 12th में पढ़ती थी तो मेरे दोस्तों ने चिकन को पनीर बताकर मुझे खिला दिया था, तब से टेस्ट लग गया है, इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। बात बात में फ्लैशबैक क्यों जाती हो? एक दिन में दो पैकेट, एक पैकेट 40 का है तो एक महीने में 2400 का हुआ। 4500 वाला तेरे से शादी करेगा तो कैसे निभाएगा? ये तो इससे शादी करने वाले लड़के को सोचनी चाहिए, ये भाई क्यों सोच रहा है? मैं कोई डेली नहीं खाती हूँ, बस हफ्ते में एक बार, महीने में चार बार, चार पैकेट सिर्फ 320 रुपए के हैं। बीवी के ऊपर 320 रुपए खर्च दोगे तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा? पगार मेरे हाथ में ला कर दो, मैं घर चला कर दिखाती हूँ। ये भी सोच रही है? इतना ही नहीं, शनि के शनि ना खाना पड़े इसलिए व्रत भी रखती हूँ। शनिवार को व्रत रखती हो और रविवार को भर भर के खाती हो तो शरीर का क्या हो रहा है? ये सब ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दोनों पति पत्नी हो और घर का खाने के समय तुम क्या बकबक क्यों कर रहे हो? भागो यहाँ से। अच्छा हुआ जो मोटी उठ गई। समाज पार्टी की तरफ से सभी सदस्यों और नगर सेवकों का मैं स्वागत करता हूँ। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी उम्र 55 की हो गई है, धंधा बदल नहीं सकते। बीड़ी पीकर, पोस्टर लगाकर, झंडा लगाकर पार्टी को दिल्ली तक ले गया, लेकिन पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। देवराज जी,
सिर्फ पार्टी मसले पे बात कीजिए। ये भी पार्टी का ही मामला है। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुंबई आपके हाथ में है। इतना ही नहीं, तुम्हारा भाई मुंबई में MLA है, ये काफी नहीं था? उसे पार्टी का महासचिव बना दिया है। नेताजी का फोन है भाई। हाँ भैया। सब पद आप ही ले लोगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? इसीलिए तो सदस्य, नगर सेवक, कार्यकर्ता और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उन नामों को तुम रख लो, हमें पद दे दो। पहले अपने भाई से महासचिव का पद छीनो, नहीं तो पार्टी में फूट और अलगाव होगा और तुम्हारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। तुम्हारे रहते ही पार्टी गायब हो जाएगी। गाड़ी रुको जरा। ए रुक रुक रुक, रुक। ओ, अरे वाह, लेग पीस। ए किरण, इधर आ। आ किरण, आ जा, इधर आ। तुझे लेग पीस चाहिए और वो भी अंगनन बिरयानी का? झूठ बोलती है झूठी किरण। गुस्सा हो तो राज किरण गायब हो जाती है एकदम सूरज की किरणों की तरह। क्यों मेरे भाई, इस किरण के बहाने उस किरण की किरणें निकाल रहा है। हाँ, हंस के देखे तो चांद की किरण, गुस्से से देखे तो सूरज की किरण। नेता दिखाते हैं सबको नई नई किरणें। बच्चों को बिगाड़े प्यार की किरण, नाश करती है सूर्य ग्रहण की किरण, और वो भी है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से सुंदर किरण। तू सब गाने जानता है ना, तुझे कौन सा गाना चाहिए? तू वो गा सकता है? अभी सुनाता हूँ। देखकर तो मुझे गाना गाने का मन करने लगा है, पर तुझे गाने के लिए कौन कहा? किरण, पहले वो मुझे सुना कर गया और अब तू मुझे सुना रहा है। गाना। क्या बात है बहन जी? किरण की एक दो साल में शादी करनी है, थोड़े थोड़े करके गहने बनवा रही हूँ। उसके अच्छा। पिताजी ने रंगून से 30,000 रुपए भेजे हैं। 8 तोले की एक अच्छी सी चेन बना दीजिए भाई साहब। आपको जैसा चाहिए वैसा ही बना देंगे। जय बहन जी, पहली बार अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवा रही हैं। 8 तोले से क्या होता है, 12 तोले का होगा तो अच्छा लगेगा। सुनो जी, हाँ। जरा 4 तोले और बढ़ाकर बना दो। तुमने कह दिया तो समझो हो ही गया। ये क्या है? ए, मार उसे। ए, उठा कर ले चल। छोड़ तू, छोड़ मुझे, रुक जा तू। ए, अब उसको गाड़ी में छोड़ वाला। चल रे। वो तू बीच में टांग क्यों वाला है? अरे आप, वो एक आदमी को मार कर ले जा रहा है। तो तू MLA से लड़ेगा? MLA क्या, बहुत बड़ा दादा है। 12 साल से एक यही MLA है, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। वोट देने वालों में से ही किसी को आगे आना होगा। सुनो, पानी चाहिए तो पड़ोस से ले लेना, बिजली चाहिए तो सामने के घर से ले लेना। ठीक है मालिक। अरे इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते को छोड़, 2 दिन में पार्टी ऑफिस के उद्घाटन के लिए अध्यक्ष जा रहे हैं। बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए। SV रोड, MG रोड, जीवानगर, सभी एरिया ब्लॉक कर देना, समझ गए? सर, SV रोड, MG रोड तो ओके सर, लेकिन जीवानगर नहीं कर सकते, बहुत भीड़ वाला एरिया है, ब्लॉक नहीं कर सकते सर। तू मेरी बात नहीं मानेगा? आई एम सॉरी सर, पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगी सर। क्या कहा, नहीं कर सकता? मेरी बात नहीं मानेगा? चल जाओ, बाहर जा, बाहर निकल, मेरे सामने निकल, इसे बाहर निकल, बाहर निकल, इसे मेरे सामने खड़ा मत होना, चल बाहर निकल, शांत रहिए, निकल निकल। ए, क्या समझता है तू अपने आप को? चला क्यों? MLA हूं मैं, समझा तू? बेटा जरा रुकना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। किरण का आज कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम है, यूनिवर्सिटी तुम्हारे रास्ते में ही है, जरा इसे वहाँ तक छोड़ दो। चल बाइक पे बैठ। बस में बैठी, कहीं रास्ता ना भूल जाए इसलिए तुमसे कहा। कहीं रास्ते में टपक मत जाना, तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? दीदी बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
टोटल दो पेपर है, शाम को आते समय ध्यान से मुझे भी पिकअप कर लेना। आपके कंधे पर हाथ रख सकती हूँ क्या? इस एरिया में मेरी बहुत इज्जत है, उसे खराब मत कर। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या पकड़ कर बैठे? रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी नहीं है और मैं गाड़ी भी तेज नहीं चलाऊंगा। दो इंच दूर बैठे। ठीक है, आप किसी से प्यार करते हैं क्या? फालतू बात करेगी तो उतरने के बाद मीटर के हिसाब से पैसे ले लूंगा। वो क्या है, मैं किसी से प्यार करती हूँ? अरे वाह, मेरे ख्याल से तुझे उस चिकन बिरयानी वाले से प्यार हुआ होगा। गाड़ी बढ़ाओ, देर हो रही है। इस जमाने में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन दारू पीता है, कौन चरस पीता है, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नाम बोल, पड़ोसी के नाते वो अच्छा है या बुरा पता करके बता दूंगा। किस एरिया का है? राम मंदिर। राम मंदिर, शिवाजी नगर। वो तो हमारी गली है। किताबी कीड़ा मनोज, चश्मे वाला राजा, या फिर वो दाढ़ी रखकर योगा करने वाला? वो सब नहीं है। फिर सामने के घर? हमारा घर है सामने। हमारे घर में क्या कहा? अरे सुंदर है। वेरी गुड वेरी गुड, मेड फॉर ईच अदर। सोना दिखाकर उसने तुझे पटा दिया। सुंदर नहीं, बंदर है, उसे कौन प्यार करेगा? तो फिर उस घर में मैं रहता हूँ। क्या मैं हूँ? तुम ही हो, तुम्ही से प्यार करती हूँ। बिरयानी देने पर मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। प्यार से रोटी दे देना, तुम्हारे पीछे ही दौड़ी चली आऊंगी। किरण, प्यार व्यार मुझे पसंद नहीं। उस नजर से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, एक दोस्त की तरह देखा है। आज से मुझसे कभी बात मत करना। एक मिनट, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ऐसा कहो, बात करने के लिए मना कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की? नहीं, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि इस तरह मिलना सही नहीं। क्यों है? सही नहीं है? आपने कहा ना कि आप मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त ही रहिए। मैं प्यार करती रहूंगी, जब आपके दिल में मेरे लिए प्यार आ जाए तो बदल जाना, और अगर तुम्हें दोस्त बनाने का मन किया तो मैं बदल जाऊंगी। पर ये तय है, मैं नहीं बदलूंगी। वाह, गली को हाईवे समझकर गाड़ी चला रहे हैं। नेता लोग है ना, ऐसे ही चलते हैं। लेकिन शंकर, अगर कोई कार के नीचे आ गया तो? ये क्या? हेलो अरुण, यहाँ पर पोस्टर लगा रहा है? अरे मत पूछ यार, पार्टी ऑफिस का उद्घाटन बोलकर सुबह से नाक में दम कर रखा है। छोड़ ना, अगले हफ्ते शादी है, अभी पेंट करवाया, कितना गंदा लग रहा है। फाड़ इसे। रहने दे, छोड़ ना। अरे रहने दे अरुण, एक दिन के बाद ठीक है। टांग अड़ा रहा है, अभी चार आदमी लगा कर गए थे, शाम को हटा देंगे। सब कुछ तैयार हो गया भैया, लाइट का पावर कहाँ से लेना है? अरे रुकना, मैं पंडित के घर जाके कनेक्शन करता हूँ। ओ भाई, कौन हो तुम? घर में कहाँ घुसे जा रहे हो? मेन बोर्ड कहाँ है? वो किस लिए? अरे कनेक्शन बोर्ड में नहीं लगाऊंगा तो तेरे पीछे लगाऊंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरी तो निकल यहाँ से। अरुण, अरे मुझ पे दिखा भी आता हूँ मैं, चल यहाँ से। भैया भैया, झगड़ा कर रहा है। कौन है वो? लाइट का कनेक्शन करने गया था, मारा उसने मुझे। ओ भी मार, चल। भैया मैंने कुछ नहीं किया, उस पंडित के घर पे लाइट का कनेक्शन करने गया था, उसमें से एक ने मुझे मारा। भैया वो है वो। ए, इस तार का दूसरा छोर जाकर उस दुकान के पॉइंट में लगा। बिजली देने वाली सरकार हमारी है, हमें थोड़ा देने में क्या तुम्हारी लाइफ कम हो जाएगी? तो ठीक है ना? शॉक लगाता है, शॉक लगाता है, इस हाथ से शॉक लगाया था ना? ए, तुम्हें सरुण कौन है? मैं हूँ। चला जा गाड़ी में बैठ। किस लिए? ए, आने जाने वाले लड़कियों को दीवार पर बैठकर छेड़ते हो। सर, गलत इल्जाम मत लगाइए। कंप्लेन आई है तुम्हारे खिलाफ। किसने दी है? यहाँ रोड पर ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ क्या? चल बैठ जीप में। अरे? चल उतार में नीचे। पुलिस चौकी की जगह यहाँ क्यों लाए हो? पुलिस स्टेशन, वकील, पंचायत, कोर्ट, जज सब हमारे एमएलए साहब हैं। रूल्स के हिसाब से पूछताछ चौकी में की जाती है। इससे रूल्स की बातें करा रहे? गंदी नाली के कीड़े कहेंगे। मुझे देखकर बोल। गंदी नाली के कीड़े? मेरी आंखों में देखकर बोल। गंदी नाली के कीड़े। अरे
कोशिश मत करो। आज उद्घाटन करने के लिए नेताजी आ रहे हैं, ये इसी एरिया का लड़का है, इस समय यहाँ का सुरक्षा ठीक नहीं है भाई। इनको पुलिस स्टेशन की जगह यहाँ पर क्यों लेकर आए? वो सर एमएलए ने पगार कौन देता है? एमएलए देता है क्या? खाकी वर्दी की भी इज्जत होती है। अरुण बेटा, तुम्हें दोस्त के यहाँ जाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ दीवार पर बैठकर फालतू झगड़ों में क्यों पड़ता रहता है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, क्यों फालतू में परेशान हो रही है? चलता हूँ। आपसे जरूरी बात करनी है। क्या है? फिर से कभी उस बाउंड्री वॉल पे मत बैठना। एक दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ, तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई ये सुनकर तुम्हारे बारे में ही सोचती रही, सोच सोच कर बस रोती रही, पता नहीं किस लिए, तुम्हें कुछ ना हो जाए सोचकर मन घबराता रहा। hey. उस दिन कहा था ना कि मुझसे हुआ तो दोस्त बन जाऊंगी, नहीं हो रहा है, लगता है मैं नहीं बदल सकती। तुम नहीं बदल सकते। घर जा। बेटा बड़े होकर के क्या बनेंगे? मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी बड़े पापा। अरे विट्ठल बाबू, तुम सिर्फ राज्य में राज करने की सोच रहे हो, तुम्हारी बेटी तो पूरे इंडिया पर राज करने की सोच रही है। भाई साहब, इस समय अगर हमारे बीच दीदी होती तो घर में और दो तीन बच्चों की आवाजें गूंज रही होती। नहीं संगीता, मेरी चिता में आग लगाने के लिए ये बच्चे काफी हैं। मेरे लिए सब कुछ मेरा भाई है। मैं चलता हूँ। भैया वो गणपत से पैसों की बात हो गई है। तुम होशियारी से प्रॉपर्टी खरीदना, लिखा पढ़ी ठीक से करना। ठीक है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। रहता कहाँ है बता मुझे। शिवाजीनगर में। सुनिए सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, ला दे। हाँ अब जाइए। गाड़ी आगे बढ़ा। आने वाली 28 तारीख को दिन शुभ है, उस हाँ। दिन हमने मंदिर में पूजा रखी है। हाँ हाँ। तुमसे यही बात कहने आया हूँ मैं। ये कौन सी पूजा है? ये वो क्या है? हमारे पूर्वजों का मंदिर नासिक में है, वहाँ हर साल मेला लगता है, बहुत लोग जमा होते हैं वहाँ। आप सबको भी साथ चलना होगा। शादी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी चलो ना भैया। हाँ अरुण, तेरे लिए शर्ट पैंट लेनी है, तू भी चल कर देख ले। तुम लोग ऑटो से जाओ, हम बाइक से आ रहे हैं। ए, वो कहाँ है? ढूंढो उसे। ए, कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या है? आप कौन है? आप लोग तैयार करके रख रहे, तेरे बेटे की लाश आने वाली है। हाँ वो वाला, वो कलर अच्छा है। नमस्ते सर। आइए सर बैठिए। छोटा सा झगड़ा है, फैसला करने आया हूँ। बात क्या है? एमएलए सामने की दुकान पर बैठा है। हेलो। अरे सुरेश,
एमएलए तुम्हारी दुकान पर बैठा है, बात क्या है? तुम्हारी दुकान में अरुण नाम का कोई लड़का आया है क्या? वो है विजय जी का बेटा है वो। ये लोग उसे मारने के लिए उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। चले बेटा थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ। नहीं अंकल शॉपिंग हो गई। फिर भी थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ। चले जाओ बेटा तुम। तुम जाओ। हेलो विजय भाई साहब बोल रहे हैं? हाँ। एमएलए आपके बेटे को मारने के लिए आया हुआ है, तुरंत आ जाइए, बैठकर आराम से बात कर लेना। अगर वो वहाँ पर मर भी जाए तो भी मुझे मत बताना। अरुण तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। क्या अंकल, पहले ऊपर जाने को कहा, अब तुरंत जाने को कह रहे हैं, क्या बात है? वो क्या है, एमएलए तुम्हें मारने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पिताजी को फोन करके बोला थाने को, लेकिन क्या कहा उन्होंने? क्या कहा बताइए। उन्होंने कहा कि तुम मर भी जाओ तो भी मत बताना। हेलो रविंद्र, क्या हुआ वहाँ पर? भैया एमएलए और उसके आदमी आए थे, घर में तोड़फोड़ करके गए हैं, पिताजी और बड़े भैया को मारा भी है। पिताजी को मारा? छोड़ो मुझे, तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा, अंदर जाओ। मत जाओ अरुण, अंदर जाओ। पिताजी पर इतनी हिम्मत तेरी? मेरे पिताजी पर हाथ लगा, हे भगवान। हे भगवान, उसने आपको कितनी बेरहमी से मारा है। एमएलए विट्ठल मुझे मारने आया था, बचाव में मैंने उसे मारा, सरेंडर कर रहा हूं। व्हाट इज हिज कंडीशन डॉक्टर? सर एमएलए की सांस चली बंद हो गई है। ओह गॉड, इसे मारा कोई? अरुण कुमार है सर। डॉक्टर, एमएलए के पार्टी और प्रेस वाले बाहर खड़े हैं ये पूछने के लिए कि इन्हें क्या हुआ है। हम उन्हें क्या जवाब दे डॉक्टर? मैं ही बात करता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक घंटे में सब डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है? दो दिन तक ऐसे दिखाना होगा जैसे कि यहाँ जिंदा है, और उसके लिए आपकी मदद चाहिए मुझे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर पर हमारी नौकरी? कुछ नहीं होगा आपकी नौकरी को। जिंदा इंसान को मृत घोषित करना गलत है, पर मरे हुए को जिंदा कहकर एक अच्छे इंसान को बचाना कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तुम तुरंत इसे वेंटिलेटर कनेक्ट करो, तभी लगेगा कि ये सांस ले रहा है। आईवी फ्लूइड स्टार्ट कीजिए। दूसरे ओके सर। क्या केस है? एमएलए को मारा है सर। किस लिए मारा? वो मुझे मारने आया था, मैंने बचाव में मारा। तो बचाव के लिए मारा है, यही बात है ना? कौन सा सेक्शन लगाया? सर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगाया सर। hey, मार खाने वाला एमएलए भी जिंदा है, सो दिस इज नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर केस। इसने बचाव के लिए मारा उसे, तो कानून के नियम से 320 लगाओ। अंडरस्टैंड? यस सर।
ए पीछे हटो, पीछे हटो। नेताजी, बहुत बेरहमी से मारा है भाई। पीछे हटो। भाई साहब। एक्सक्यूज मी सर, इस हालत में उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाया, प्लीज। रो मत, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, शांत रहो। सर आप अपने भाई से मिले, आप कैसे हैं? आपके भाई अभी कैसे हैं? मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, आपके मेरे जल्दी ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। कहाँ पुलिस स्टेशन में है नेताजी? नेताजी इसी ने मारा है। चुप साले, तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे भाई को हाथ लगाया, तुझे यही खत्म कर दूंगा। खोल इसे, खोल इसे। सर रहने दीजिए सर, खोलने पर प्रॉब्लम है। नेताजी शांत हो जाइए, बाहर टीवी वाले प्रेस वाले खड़े हैं, छोटी सी बात को वो बड़ा करके दिखाकर पार्टी का नाम खराब कर देंगे। पहाड़ जैसे मेरे भाई को तूने नीचे गिरा दिया, वो जिंदा है इससे तू अभी तक जिंदा है, उसे कुछ हुआ तो तुझे अंदर ही जला कर राख कर दूंगा। सर आप अरुण से मिले, उन्होंने क्या कहा सर? अपने भाई को पीटने वाले से आप मिलकर आ रहे हैं क्या? कोई बात, है, बात नहीं है, उसने गलती से मार दिया था, इसका उसे अफसोस है। आप लोग इसे बड़ी खबर मत बनाइए, जाने दीजिए। सुनिए, वो आप ही का तो बेटा है, बाहर निकालने की कोशिश तो कीजिए, दिलासे के लिए ही उससे जाकर मिलाइए। माँ जी आप ही कुछ बोलिए ना। इस घर से कोई भी उससे मिले नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब के सब सही है, सिर्फ वो ही गलत है, सिर्फ वो ही गलत है। ये केस मैं नहीं लड़ सकता, कृपा करके मुझे माफ करें। सर अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है सर। हाँ सर। आप लोग यहाँ से चले जाइए। हेलो दीदी, मैं रविंदर बोल रहा हूँ। क्या बात है? एक झगड़े की वजह से अरुण भैया जेल में बंद हैं। है तुम्हारे जीजा तो मीटिंग के लिए थाने गए हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं उनको लेकर फौरन आ जाऊंगी। क्या कहा रविंदर? जीजा जी बाहर गए हुए हैं। अरुण कोई भी वकील आने को तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं, सुबह तुझे जेल में ट्रांसफर कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जीजा जी को फोन किया था, वो भी बाहर गए हुए हैं। उन्हें किसने बताया? हमने नहीं बताया, किरण और रविंद्र ने वहाँ फोन किया था। अच्छा हुआ अरुण, एमएलए को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बात और बिगड़ जाती। एमएलए मर चुका है। ये क्या कह रहा है तू? जब उसे मारने के बाद मैंने हाथ पकड़ कर खींचा था, तभी उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ। कुमार तुम चिंता मत करो, हम अपने वकील से कहकर जमानत करवा लेंगे। ठीक है मालिक। वकील साहब मैं योगेश वर्मा बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जाना है, जरा जल्दी आइए। डॉक्टर रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? ये लोग बॉडी को जलाएंगे या दफनाएंगे? जलाएंगे। नमस्ते सर। हाँ कुमार, FIR देख ली, 320 की धारा रिवियस एक्ट में डाला है उन्होंने। दो राशन कार्ड और 50,000 का इंतजाम तुरंत करो, तुम्हारे साले को शाम तक बाहर निकाल सकते हैं, पहले पैसे का इंतजाम करो। लेकिन ठीक है, सुन सुंदर मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, घर से 40,000 रुपए लेके आ जा। 40,000 रुपए? किसके घर का पैसा है? क्यों बे? मैं यहाँ पर सुनार का काम करता हूँ या फिर नोट छापता हूँ, साल 6 महीने अंदर सड़ता रहेगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम सब गूंगे हो क्या? पैसे देने के लिए एक बार बात भी नहीं कर सकते? वो भी तो इसी घर में पैदा हुआ था, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? सुंदर तुम इसे लेकर जाओ। तू ये सब क्यों कर रही है? बस पूछो मत, लेकर जाओ। पर तुम जाओ। मुलजिम अरुण कुमार को नजदीकी शिवाजी नगर के पुलिस स्टेशन पर रोज हाजिरी देनी होगी और सिग्नेचर करना होगा, इसी शर्त पर जमानत दी जाती है।
जीजा जी, हाँ? हमारे वकील ने तो दुश्मन के वकील के छक्के छुड़ा दिए। छोटे मोटे वकील थोड़े हैं। अपने ऑटो ले क्या? ऑटो किस लिए? ऑटो किस लिए? अरे अपनी गाड़ी है ना। जी जी, आप जो काम करने के लिए आए थे वो हो गया, अब आप घर जाइए। अब मुझे घर भेजने में क्यों लगाया तू? मेरे घर के बारे में क्यों चिंता कर रहा है? बात समझने की कोशिश करो। तू अकेले 10 लोगों को मार सकता है ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तूने किसे मारा ये जानता है तू? राज को उंगली पर नचाने वाले के भाई को। सही कहा जीजा जी, जीजा और साले का संबंध ऐसे नहीं बन जाता। और गाड़ी में बैठो। चला बेटा, 4 दिन कैसे रहा बेटा तू पुलिस स्टेशन में? 4 दिन रहा, उसका अफसोस नहीं है माँ। एक दिन भी मुझे कोई देखने तक नहीं आया, उसका मुझे अफसोस है। मैंने ऐसा क्या गलत किया था? मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, फिर तुम सब खुश हो जाते ना? नहीं बेटा, ऐसी बात मत बोल। जमानत के लिए पैसे देने को मना कर दिया। क्यों माँ, मेरी पगार के 4,500 रुपए हर महीने तुम्हारे ही हाथ में देता हूँ ना, उसमें से दे सकते थे। मैं खाने तक के पैसे देता हूँ, पर तुम बोल ही नहीं सकती, पति के आगे जवान नहीं खोल सकती। जेल से लौटकर आने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, उसे बोलो यहाँ से चला जाए। क्यों रे, ये भी कोई परिवार है? तेरे तो दिमाग में कोयला भरा है, लेकिन तेरे बाप के पूरे शरीर में कोयला भरा हुआ है। क्यों रे, बेटे की मुसीबत में भी मदद नहीं कर रहा, ऐसा बाप है ये? ये उनसे बोलिए। पत्नी के साथ मारपीट करने वाला आज न्याय की बातें कर रहा है। पति पत्नी को मारे इसमें कोई गलती नहीं है, पर अगर पत्नी को दूसरे की मार से ना बचा पाए वो गलत है। अरे इतनी भी समझ नहीं है तुम्हारे बाप के अंदर? और वो जो वहाँ खड़े हैं पुतले बनकर, उनके अंदर भी समझ नहीं है? और तुम लोग भी सर नीचे करके फू फू मत करते रहो। अरे कभी तो सर उठा कर देखो, तभी पता चलेगा कि कौवा चिल्ला रहा है या फिर उल्लू चिल्ला रहा है। वो सामने जो पड़ोस की लड़की खड़ी है उसे जितनी चिंता थी, यहाँ पर किसी को उतनी चिंता नहीं है। मेरा इनसे जब भी झगड़ा होता तब मैं कहती थी मेरे 4 भाई हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम सब पर भरोसा किया लेकिन मैं कहीं की नहीं रही। अगर मेरे बच्चों का मामा है तो वो सिर्फ एक ही है और वो है अरुण। सुन, अपने पति को बोल कि इस खूनी को अपने घर ले जाए। हाँ वो तो हम ले ही जाएंगे, इस घर में तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है? जाकर बच्चों को ले आओ, जाओ। चलो अरुण, चलो। रुक जाओ, एक तो अरुण बेटा जेल होकर आया है, इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करके आया है, उसे अंदर बिठाने की बजाय आप आपस में ही लड़े जा रहे हैं। यहाँ बैठो। मेरा बेटा यही रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। नमस्ते जी, आइए। कान छेदने की छोटी सी रस्म को शादी की रस्म की तरह धूमधाम से मनाने वाले आप पहले हो प्रेमराज जी। कान किसके छेदने? माँ जी के। माँ जी के? उम्र क्या है? 70 साल। 70 साल जी, बचपन में ही उन्होंने नाक छिदवाने को सोचा था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। अपनी माँ के नाक छिदवा रहा है और वो भी 70 साल की उम्र के बाद उनकी इच्छा पूरी करवा रहा है। तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू सच्चा बेटा है, तू श्रवण से कम नहीं है, माँ की इच्छा को पूरी करने वाला बेटा है। बिल्कुल। जरा रुक, मैं अपने हिस्से का नाच लेता हूँ। बिल्कुल। अरे भाई जल्दी चलो, शुभ जीतने वाला है। माँ जी है। किसके नाक छेदने की कह रहा था तू? इन्हीं की। इस लाश को छिदवाने के लिए तू लेकर आया है? लाश को लाश नहीं बोलूंगा तो और क्या? लाश बोला तुमने? चल चल डॉक्टर, चल चल डॉक्टर। नेता जी, जी वो अरुण की जमानत हो गई है। मेरे भाई की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई, उसकी इतनी जल्दी जमानत कैसे हो गई? वो क्या है कि कोर्ट में बताया गया है कि विट्ठल की मौत मार खाने से नहीं हुई है। क्या कह रहा है तू? डॉक्टर के सर्टिफिकेट में। डॉक्टर सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि आपके भाई को दारू पीने की आदत, जिससे उसका लीवर फेल हो गया और वो मर गया। हे भगवान, मेरा भाई तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, इसीलिए उसने इतनी जमीन जायदाद खरीदी, लेकिन कभी एक वाइन का शॉप नहीं खरीदा। जरूर कुछ गलत हो रहा है, जरूर कुछ गलत हो रहा है। कौन है वो रिपोर्ट लिखने वाला डॉक्टर? पकड़ो उसे। आए, कहाँ है तेरा चीफ डॉक्टर? हाँ? आप नहीं होते तो कोर्ट कचहरी जेल यही सब चलता रहता, मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती। कहते हैं कि अच्छे इंसान की हर कोई मदद करता है, भाईचारे में मैंने भी बस तुम्हारी मदद कर दी। अरे अरुण कैसे हो बेटा? हेलो, आपको ढूंढते हुए यहाँ पर राम बाबू के आदमी आए थे, लगता है वो अभी आपके घर की ओर गए हैं, आप जरा होशियार रहिएगा डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर, तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन करके कंप्लेंट कर दीजिए कि राम बाबू के आदमियों ने आपको मारने की कोशिश की, बाकी हम देख लेंगे। चलो। हेलो, सुनो सब, जाओ सब पत्थर लेकर आओ, जल्दी जाओ। ठीक है। ओके सर। तोड़ कर चप्पल टूट कर दिया।
अरुण, अरुण ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? सॉरी डॉक्टर। हे राम, ये क्या किया? कमिश्नर, वो इंस्पेक्टर अपने आप को समझता क्या है? मेरे आदमी जानते हुए भी उन्हें अरेस्ट किया है, तुरंत छोड़ने को बोल। सर FIR लिख चुकी है, पब्लिक ने भी देखी, वो मामूली आदमी नहीं है, सब कलेक्टर युगल केडर है, सरकारी हॉस्पिटल का डीन है सर। ये सरकार मेरी है, जानता है ना तू? सर कल कोर्ट में प्रोड्यूस करके मैं ही जमानत करवा दूंगा। प्लीज आप उस डॉक्टर के घर पर अब किसी को मत भेजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो, जितने चाहे उतने लोग वहाँ भेजो, कल सुबह तक मुझे उस तरुण के मरने की खबर मिलनी चाहिए। दीदी, उनके पूर्वजों के मंदिर में पूजा हो रही है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तेरी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जेल से होकर आए हैं, अभी तो उन्हें प्यार करती हैं। अच्छा होगा उन्हें भूल जा। भूल जाऊंगी, पर खुद को। दीदी, जल बिना जीवन नहीं है, वायु बिना प्राण नहीं है। मैं एक खूनी के बाप के रूप में बदनाम हो गया हूँ। वो खूनी नहीं है, ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है, फिर उसी बात को आप क्यों दोहरा जा रहे हैं? ये जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पता नहीं क्या पाप किया था जो मेरे बेटे के साथ ये सब हो रहा है। पूर्वजों के मंदिर ना जाकर आप उनका अपमान करना चाहते हैं। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले यहाँ से निकलो और गाड़ी में बैठो। बड़ा पापा पैदा किया है, बड़े पापा को मैंने पैदा किया? बड़े पापा वो नहीं आ रहा, आप तैयार हो जाइए। कुछ भी करता रहता है। शेरों के बीच में गीदड़ खड़े हैं, चर्बी उतारने क्या? ओए, हाथ में मौत का सामान लेकर हजारों लोग आ रहे हैं, जाकर अपने नेता को बोल दे जा, जान बचा कर निकलो यहाँ से, हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तेरे ही घर पर तेरे लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अन्याय को भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। तूने 100 लोगों को भेजा था, यहाँ 1000 लोग आए, कल तू 1000 को भेजेगा तो यहाँ मैं लाखों को लाकर खड़ा कर दूंगा, समझा? ए, तू सिर्फ इस शहर में ही 1000 लोगों को लाकर खड़ा कर सकता है, मेरे पास हर शहर में 1000 लोग हैं। तू जिनकी बात कर रहा है वो सब पैसे लेकर आने वाले लोग हैं, पर मेरे साथ यहाँ जितने लोग आए हैं उन्होंने यहाँ आने के लिए एक दिन की पगार छोड़ी है। बात सुन, तेरे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मुझे मारने आया था इसलिए मैंने मारा। बात खत्म हो गई, सब कुछ भूल जाओ। राजनीति, पद, दौलत, सुख, जायदाद, पार्टी, संपत्ति, इन सब से ज्यादा मेरे लिए दुनिया में मेरा भाई प्यारा था। तूने उससे मुझसे छीना है ना, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे भाई को मारकर तूने मुझे जो दर्द दिया है ना, वो दर्द तू रोज झेलेगा। तेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको तेरे सामने एक एक करके मारूंगा। सुना,
अरुण की एक आवाज पर कितनी आवाजें आती हैं। साले साहब ने एक और आवाज लगाई, सब लोग अंदर जाकर एक एक को काट डालेंगे। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं, समाधान के लिए आए हैं, इसलिए अपनी अकड़ दबा के रख और अंदर जा। अरे जाना जी। जी हाँ बोलो अरुण, अपने परिवार के बारे में कुछ बोला था ना वो। अरे वो उल्टा सीधा बोलेगा ही, उसके बारे में क्यों सोचते हो। नहीं जी, हमें तुरंत गांव जाना होगा। उतरो उतरो जल्दी उतरो। अरे डांस करने लायक कुछ अच्छा सा बजाओ। क्या बजा रहे हो? ऐसे मजा आ जाए थोड़ा। उसका परिवार, उसके रिश्ते नाते सब लोग गांव के मेले में गए हुए हैं। अपने लल्लन को भेजकर काम तमाम करवा दो। अरे कुछ नहीं होगा अरुण, हमें होशियार रहना होगा। अरे जीजा जी, हाँ बोलो। मंदिर में नहीं आएंगे लेकिन आ गए। आ गए पर सुबह तो मना कर रहे थे। क्या मना कर रहा था? नहीं जीजा जी। क्या नहीं जीजा जी? जीजा जी क्या? जीजा जी मुझसे कह रहे हैं। क्या मुझसे? आपको क्या हुआ? क्या मुझे क्या हुआ? हाय रे। क्या है रे? ये तो गया। क्या ये तो गया? हाँ हाँ। क्या एक दूंगा ना, चल पूजा कर बे। क्या पूजा कर बे? शांत हो गया। वीणा वीणा वीणा, अब तक इस लड़की का नाम नहीं रखा था जो आज रख रहे हैं। हमारे में नाम रखने का एक रिवाज है। नई शादी के बाद जोड़े को यहाँ पर लेकर आया जाता है, फिर कुल देवता के सामने 3 बार नया नाम लेते हैं। दीदी, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा नाम भी ऐसे लिया जाएगा। ये यहाँ पर क्यों आया है? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए? उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। कहा था नहीं आएगा लेकिन आ गया। अब मंदिर में आए हुए को निकाल तो नहीं सकते ना? तेरे बड़े पापा मुंह पर उंगली रखकर शांत नहीं रह सकते। मुंह पर उंगली रखने से वो शांत हो सकते हैं लेकिन अरुण को देखकर शांत नहीं रह सकते। चलो यहाँ से सभी। ये खीर है क्या? और भाई खाने में मसाला ठीक से डाल रहा ना? हाँ, तुम कौन हो? अरे भाई दीनानाथ का साला। अच्छा जीजा जी, हाँ? ये सभी पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? सखाराम, हाँ? साले साहब पूछना, जवाब दो। गाड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, पियेंगे क्या? नमक है या बिना नमक के है? बिना नमक का। अरे बोल। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा रिश्तेदार आया था, सब्जी को उठा करके चला गया। सारे काम देख सकते, वहाँ पर बैठकर सो रहे थे क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? उसने पर बताया कि दीनानाथ का साला हूँ। मैं समझा तुम्हारा साला होगा। हमने सोचा वो तुम्हारी तरफ से आया है। क्या हो गया अरुण? वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे वो दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था ना, उसने मुझे बताया कि वो हलवाई है और इसे कहा कि वो मेरा साला। जी का साला कहाँ से आया? चलो देखते हैं उसे। अरे इस गड़बड़ करके नहीं चला जाए, इसके पटरने पर पता चलेगा कि वो कौन है। तुम लोग उधर जाके ठीक है, ठीक है। अरे चाचा, यहाँ से अभी कोई दाढ़ी वाला आदमी गया था क्या? वो अभी बस में बैठ कर गया। उसे पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ने लगा उसे। अभी बताता हूँ। अरे बातें करने का समय नहीं है, जल्दी जाओ। बस यही गया है वो, जल्दी जाओ। अरुण जरा रुको, कौवे के गिरने से आगे नहीं जाना चाहिए। एक बार पानी लेके आओ जल्दी। अरुण ये कौवा तो तड़प रहा है। अरुण लगता है इसने कुछ खाया है तभी ऐसा तड़प रहा है। इसके मुंह में चावल लगा हुआ है। मतलब ढोल की आवाज बंद हो गई, इसका मतलब है कि पूजा खत्म हो गई। कौवे को खाना खिलाया होगा। हाँ सुनो अरुण, पानी। ए, कोई खाना मत खाना, खाने में जहर मिलाया हुआ है। राम बाबू के आदमियों ने खाने में जहर मिला दिया है। क्यों मेरी इज्जत खराब कर रहा है? तुझे मारने के चक्कर में इन सारे लोगों को मार दिया होता उसने। तुझे मंदिर में आने के लिए किसने कहा था? पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने जो ये मेरा बेटा बनकर जन्मा है। मेरा सम्मान चला गया, इज्जत चली गई, इसकी वजह से सब कुछ चला गया। ये क्या कह रहे हैं आप? कोई और होता तो इतने लोगों की जान बचाने वाले अपने बेटे पर गर्व करता। आप कह रहे हैं कि सबकी वजह ये है? इन्होंने उस MLA को क्यों मारा? क्योंकि उसने आप पर हाथ उठाया था। लेकिन सबके चहेते इस बेटे को फटकारने वाले बाप को मैंने पहली बार देखा। बड़ी आई चाहने वाली, सगे संबंधी तो चुप है लेकिन तू ऐसे बोल रही है जैसे उसने तुझे रखेल बना कर रखा है। पिताजी ये क्या? रो मत किरण, रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये रखेल नहीं, आज से मेरी पत्नी है। Thank you.
हमारे परिवार को मारने के लिए उसने पूरे गांव को मारने की कोशिश की थी। अब वो शांत नहीं बैठेगा। वो कुछ करे उससे पहले हमें उसे सबक सिखाना होगा अरुण, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा। तू चिंता मत कर, सारे शहर को तेरे पास लाकर इकट्ठा कर दूंगा। ए, पहले उसका बोर्ड तोड़ो। सबको मार कर भरो, छिप कर बैठने से बचेगा नहीं, बाहर निकाल। कौन है? क्या अरुण पार्टी ऑफिस में घुसा है, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहा है, तो तुम तो वहाँ पर क्या कर रहे हो? पार्टी के नाम पे बहुत गुंडागर्दी कर ली तुमने। कोई भी सामान अंदर नहीं रहना चाहिए, सबको बाहर निकालो, निकालो यहाँ से। बहुत धन्यवाद अरुण, कब्जा किया हुआ घर तुमने मुझे वापस दे दिया। ये लो घर के कागजात। अरुण भैया देखिए ना, पैसे नहीं दिए तो दुकान खाली करवा रहे हैं, सारी दुकान। आज से इस एरिया में हफ्ता वसूली के नाम पर किसी से पैसा मांगा ना तो तुझे और तेरे नेता को रोड पर खड़ा कर दूंगा। फुट आज जो नेताजी की हालत है उनका साथ देना ठीक नहीं होगा। नेताजी का जन्मदिन, पार्टी दिवस, पार्टी के खर्चे के लिए पैसे मांगकर राम बाबू के आदमियों ने बहुत पैसे लूटे। पैसा नहीं दिया इसलिए मजदूरों में अफवाह फैलाकर हड़ताल करवा दी। अधिकार का फायदा उठाकर हमसे दुगुना तिगुना टैक्स भरवाया। अरुण आज राम बाबू का सामना कर रहा है, उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। पैसे की ताकत, आदमी की ताकत, सब कुछ देना चाहिए। देखा पार्टी के ऑफिस ने क्या रंग बदला है। अरुण किरण को अंदर लेके जा। ये सब क्या है बहन जी? शादी भले ही रीति रिवाज से नहीं हो पाई लेकिन ये सब तो करना पड़ता है। बैठिए। भले ही मेरी बेटी सबसे अलग रह रही हो लेकिन उसका असली घर तो यही है। उस दिन मेरा बेटा जब आपकी बेटी को मंगलसूत्र पहना रहा था तो मैंने सोचा उसके जेल से लौटने की वजह से कहीं आप उसे मना न कर दें। अगर तुम्हारे बेटे से रिश्ता खत्म करना होता तो मैं अपने पति से कब का खत्म कर चुकी होती। किरण के पिताजी रंगून की एक जेल में कैद हैं। 2 साल पहले उनका बिजनेस के सिलसिले में किसी से झगड़ा हो गया था, उसे मारकर वो जेल चले गए। उस बिजनेस को मेरा भाई देखता है। इस साल वो जेल से वापस आ जाएंगे। आज तक ये बात मैंने अपनी बेटियों को नहीं बताई है। गलती किससे नहीं होती, परिस्थितियाँ मजबूर कर देती हैं। आइए माँ जी आइए। कैसी हो बहू? जी अच्छी हूँ। हमारे परिवार में जब कोई नई शादी होती है तो नई बहू का पूर्वजों के मंदिर में नाम लिया जाता है। वो क्यों? भगवान के सामने तुम्हारा नया नाम रखा जाएगा, इसलिए पूछने आई थी कि गांव कब चलना है। कोई बाहर शादी करके आता है तब ऐसा करते हैं ना। मैंने तो उसी मंदिर में शादी की है, रविंद्र की शादी पर चलेंगे। पर बात वो नहीं है। सुनिए जरा, जरा मेरी बात तो सुनिए। माँ जी कुछ नाम वाम रखने की बात कर रही है और आप मना कर रहे हैं। तुझे नहीं पता नाम कैसे रखा जाता है? नहीं जानती। दूंगा, उस दिन जो भाभी से पूछा था वो भूल गई क्या? मैंने भाभी से पूछा था तुम कैसे जानते हो? बातें सुनी थी। ए बदमाश कहीं के, बताया आपने मुझे 2 बार मंगलसूत्र पहनाया है। कैसे? एक तो पीले धागे से और एक सफेद धागे से। ये तेरे पास था वो नाप लेते वक्त? आज तक हमारे यहाँ एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है। विट्ठल की मौत के बाद से इस शहर की हालत बहुत अच्छी हो गई है। अब ब्याज पर पैसे लेने के लिए किसी को अपना घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं रही। अरुण जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। राम बाबू के खिलाफ अगर अरुण खड़ा होता है तो हमारे जीवन नगर के लिए अच्छा है। अरुण के ऊपर मुसीबत आई तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। जब वो पौधा था तभी उसे उखाड़ फेंकना चाहिए था, अब वो पेड़ बनकर हमारे लिए मुसीबत बन गया है। उसकी हर तरह से मदद के लिए शिवाजी नगर और जीवा नगर के लोग उसका साथ दे रहे हैं। सुनो, सरकार की पावर क्या होती है उसे दिखा दो। बिजली, पानी, राशन सब कुछ बंद कर दो। पीने के लिए, नहाने के लिए, कुल्ला तक करने के लिए पानी नहीं मिलना चाहिए उनको। नेताजी सोच रहे कि पावर वाटर बंद करके सब ठीक हो जाएगा। अरे अचानक बिजली कैसे चली गई? रात को बिजली काटते टीवी में सुना है। अरुण का साथ दोगे तो ऐसा ही होगा। हाय राम, पानी बंद हो गया। चाची जी यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा बेटी। नमस्ते। बैठिए बैठिए, क्या बात है? हमारे एरिया में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालत खराब है हमारी। इन सब की वजह राम बाबू के लोग हैं। उनसे सामना करने की ताकत और शक्ति सिर्फ आप में ही है। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। जनता
के सामने कुछ नहीं कर पाई ये बात तुम मुझे आकर बता रहे हो? उस अरुण को और उसका साथ देने वाली जनता का नामो निशान मिटा डालो। नेताजी ऐसा करने से अगले चुनाव में हमें कोई वोट नहीं डालेगा। वो तो हम खुद डाल लेंगे। हाँ, हे भगवान, माँ जी, भैया सब बाहर निकलो, हमारी झोपड़ी में आग लगा दी है। अच्छा हुआ जो इसने सही समय पर देख लिया, नहीं तो हम सबकी झोपड़ी जलकर राख हो जाती। मैंने देखा तो समाज पार्टी के लोगों ने आग लगाई थी, उन्होंने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। लोगों को दिलासा देने के लिए राम बाबू आ रहा है। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पैर काट दूंगा। बच्चे की जान लेकर माला चढ़ाने आया है, झोपड़ियों को जलवाकर उनको दिलासा देने के लिए आया है। ये सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी झोपड़ियों में आग लगवा दी तूने। तेरी ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी, याद रखना तू। मैंने आग लगवाई है, क्या सबूत है तेरे पास? तेरे आदमी को आग लगाते हुए यहाँ लोगों ने देखा है। समाज पार्टी नाम रखकर समाज के लिए क्या किया है तूने? गरीबों को सताते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे पापी, मेरे बच्चे को जिंदा जला डाला। इस बच्चे को देख, आग खोल कर देख इसे। आज के बाद अगर तेरी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इस एरिया से खड़ा हुआ तो काट डालूंगा उसे, काट डालूंगा उसे। इस मरे हुए बच्चे की कसम है मुझे। जिसने मुझे थप्पड़ मारा था मैं उसी दिन उसे गोली मार सकता था, लेकिन मेरे भरोसे रह रहे हैं 30 साल की मेरी कबाइज बहन, उनके बारे में सोचकर ही मैं शांत रह जाता हूँ। मैं जो नहीं कर पाया वो तुम कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बता। पहले सड़क पर निकलता था तो डर डर कर चलता था कि कहीं सिर पर अंडा न गिर पड़े या किसी का डंडा न पड़ जाए, लेकिन अब निश्चिंत होकर आता जाता हूँ। वजह है तुम्हारा बेटा। कृष्ण ने कंस का वध किया था और आपके बेटे ने अत्याचारी विठल का वध किया। आपको अपने बेटे अरुण पर गर्व होना चाहिए। भाई जी, कैसे हो बेटी? अच्छी हूँ माँ जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबूजी, आप कैसे हैं? हाँ हाँ। क्या बेटी, इतना पास रहती हो फिर भी तुम घर पर तो कभी नहीं आती? हाँ, लगता है बाबूजी का गुस्सा अभी तक गया नहीं। मैं आऊंगी ना। ठीक है। ए, जरा रोक। बिरयानी? हाँ। वो सब मैं नहीं खाती। अच्छा, फिर वो लेग पीस कैसे खाती थी? वो सब पहले था, शादी के बाद सब छोड़ दिया। ए, मेरे कहने से खा ले। नहीं खा सकती। मैं बोल रहा हूँ ना, खा ले। अन्याय भगवान को पसंद नहीं, गलत अरुण को पसंद नहीं, जबरदस्ती किरण को पसंद नहीं। क्या करेगी तू? कमाल करती है। मुंबई में चुनावी बिगुल इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख तय की। आज हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें ये निर्णय लेना है कि इस बार होने वाले चुनाव में कौन खड़ा होगा। भाई हंस क्यों रहा है? पता नहीं इनमें से कौन शहीद होने वाला है। समाज पार्टी के सामने वो अरुण क्या कर लेगा? पार्टी अनेश के भाई को बीच रोड पर मारकर शेरों की तरह घूम रहा है, तब तो कुछ नहीं कर सके, अब क्या कर पाओगे? आप लोग ऐसे शांत रहेंगे तो काम कैसे चलेगा है? ओए प्रवीण, तुमने लोगों के हाथ पैर तोड़कर इस पार्टी को संभाला है, विधानसभा में जाना चाहता था ना, तू ही खड़ा हो जा। मैं नहीं नेताजी, मुझसे ज्यादा इस रामकृष्ण को अपनी जाति के वोट मिलते हैं, अगर इसे खड़ा किया तो आराम से जीत जाएंगे। नहीं नहीं नेताजी, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो हमेशा बस नगर सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। नगर सेवक तो आप है ही, लेकिन अब से आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तो इस बार रामकृष्ण ही खड़े होंगे, यही पार्टी का फैसला है। मैं भी इससे सहमत हूँ। ये किस पार्टी से हैं? इन्हें तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने देना चाहिए, बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। अरे रुको,
इतनी भीड़ लेकर ऑफिस में कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? हम विपक्ष पार्टी से हैं। वो क्या है? विपक्ष में रहकर संघर्ष करते हैं। हाँ, पर अंदर किस लिए जा रहे हो? हम गठबंधन बनाने आए हैं। गठबंधन बनाकर एमएलए बन जाएंगे। ये दे, गठबंधन नहीं होने की वजह से मैं ये सफेद रंग का कच्छा पहन के खड़ा हूँ और तुम ये थोपड़ा लेकर गठबंधन बनाओगे। चलो निकलो, निकलो। क्यों भाई, क्यों निकल जाए? हम जितनी स्पीड से वो अंदर गए हैं उतनी स्पीड से बाहर आएंगे। चलो निकलो यहाँ से। विधानसभा में लुंगी उतार, यहाँ क्यों उतार? राजनीति में सब जगह उतार सकते हैं। तू क्या करेगा, क्या कर लेगा तू? चिड़िया का घोंसला लेकर एमएलए बनने चले आए हैं। बेशरम कहीं के, बक बक करते रहते नालायक कहीं के। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती। बस एक बात जानता हूँ, राम बाबू के भाई ने एमएलए बनके हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। हम आपके क्षेत्र की भलाई करेंगे, हमारा भरोसा कीजिए। उनकी पार्टी से जो खड़ा होगा उसे मार दूंगा। आप किसी को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे भी मार दूंगा। मैं राजनेताओं को नहीं, गलत राजनेताओं को रोक रहा हूं। आप अगर जनता के विश्वास के लायक हैं तो जरूर जीतेंगे। नमस्कार। क्या बात है? बैठिए। मैं ठीक हूँ सर। समाज पार्टी के रामकृष्णगर चुनाव में खड़े हुए तो आपने उसे मारने की धमकी दी है? सर मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मैं उसे क्यों धमकी दूंगा? मैंने उसे आज तक देखा भी नहीं। आपने वाकई उन्हें धमकी नहीं दी? नहीं सर। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक्स। इतनी देर से ऑफिशियली बात कर रहा था, अब अनऑफिशियली बात कर रहा हूँ। टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बात का मुझे कैसे पता चला? अधिकारियों की चालें और राजनेताओं के मन को पढ़ लेता हूँ। सर अपने सच्चे मन से बोलिए, क्या राम बाबू और उसका भाई विट्ठल जो अत्याचार करते थे वो सही था? क्या आपका मन नहीं किया कि आप उन दोनों को जेल में बंद कर दें? मन होने पर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपकी आंखें खोलने के लिए ही मैं इन कामों को अंजाम दे रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो कानूनन गलत है, लेकिन आपको अपने मन में वो सही लगेगा। आपका साथ मुझे नहीं चाहिए सर, आराम से बैठकर तमाशा देखिए, वही अच्छा है। और अब सुनिए, राम बाबू की पार्टी से रामकृष्ण ही नहीं कोई और भी खड़ा हुआ तो मार दूंगा। चलता हूँ। जरा रामकृष्ण को अंदर भेजो। आइए, अरुण कह रहे हैं कि उन्होंने आपको धमकी नहीं दी है, आप बेफिक्र होकर नॉमिनेशन कीजिए, बाकी सब हम देखें। मुझे मरता हुआ देखोगे? हेलो कमिश्नर, क्या तेरे साथ 24 घंटे रहेगा? रात को सोते समय क्या उसे पकड़ कर सोएगा? अगर सो भी गया तो सर के ऊपर चलने वाला पंखा तेरे सर पर गिरा तब तो क्या करेगा, कैसे बचेगा तो? सर वही है, फोन पर बोल रहा है। आपको हार्ट अटैक वगैरह नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ, बाहर गया तो मुझे मार डालेंगे, 10 दिन तक यहीं रह जाता हूँ, कह देना हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल के नाटक की शुरुआत करने वाला मैं ही था, वो रामकृष्ण मुझे ही नाटक दिखा रहा है। जान से डर कर भागने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। फोन लगाओ शोलापुर के आलम शेख को। ठीक है नेताजी, उसे खड़ा करूंगा, उसका सामना कौन करेगा? लाइन बिजी है, लगता है किसी से बात कर रहे हैं वो। आदमी मिल गया ना, उसके पीछे जा। भाई उसके पीछे चल रहा हूँ। जगह बोल। राधे चौक पार कर लिया है। मैं भी आ गया हूँ, राधे चौक पार कर लिया। महावीर रोड की तरफ जा रहा है। महावीर रोड की तरफ किस साइड जा रहा है बता मुझे? राइट की साइड। ओए दे चल। ओए रोड क्रॉस कर रहा है। हाँ पास आ गया हूँ। ए वही है, मार उसे, मार जोर से मार। बेचारा जल्दी निकल गया, ठिकाने लगा दे। ठीक है भाई। हेलो आलम, राम बाबू बोल रहा हूँ। नेताजी बोलिए। तू जल्दी से जल्दी मुंबई चला। ठीक है नेताजी। वैशाली, धूप में यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार इसलिए? मेरा झुमका टैंक में गिर गया है, निकाल कर दोगे? झुमका उस टैंक में गिर गया है? ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नदी और खाई में भी जा सकता हूँ। अब देख, बिना निकाले नहीं निकलूंगा मैं। क्या हुआ, बहुत बदबू आ रही है? ये हमारे घर की सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक है? कोई बात नहीं, अपने घर का ही तो है। कितनी बदबू आ रही है, बाप रे। चलो ये भी तो एक काम ही है, जिस तरह मैं सोना से गहने बना सकता हूँ उसी तरह सोना ढूंढ भी सकता हूँ। ये रही आखिरी बाल्टी, अब बिल्कुल कीचड़ नहीं है। देखा कैसे साफ कर दिया मैंने? बहुत थैंक्स। अभी निकाला भी नहीं और थैंक्स बोल रहे हो? निकाल तो दिया है। क्या निकाल दिया? कीचड़ को। तो फिर झुमका? ये रहा। तुम शौक मत हो, 10 दिन से टैंक भरा हुआ था, म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाया तो वो 50 रुपया मांग रहा था, इसीलिए तुझे बुलाकर झुमका गिर जाने का नाटक किया। लेकिन तू तो बहुत फास्ट निकला, इतनी जल्दी साफ कर दिया, अच्छा लड़का है। छी, अरे मोटी चुड़ैल कहीं की, झुमका के नाम पर गंदा साफ करवाया। कहिए मैडम क्या बात है?
वोटर लिस्ट चेक करनी है, जरा राशन कार्ड दिखाइए। हमारी नई नई शादी हुई है, अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाया है। आप 10 मिनट में आ जाइए, मैं ससुराल से मंगवा लेती हूँ। ठीक है भैया। हाँ बोलो। आप उनके और मेरे घर जाकर जरा राशन कार्ड ले आइए ना। ठीक है। आपका नाम? किरण। हाँ है। आपके पति का नाम? अरुण कुमार। विजय कुमार, जानकी देवी, प्रताप कुमार, अजीत कुमार। उनसे पहले अरुण कुमार होगा, होगा। नहीं है। अच्छे से देखिए। अच्छी तरह से देख लिया है, आप ही देख लीजिए। माँ, माँ बताओ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ ना? तुमने ही मुझे जन्म दिया है ना? वो आदमी ही मेरा पिता है ना? राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है, कहाँ गया नाम? किसने दिए थे नाम? क्या इस परिवार का नहीं लावारिस हूँ मैं? लड़की का जन्म लिया होता तो शादी के बाद पति का नाम पहले लगा सकता था, पर लड़का होने का पाप किया है मैंने, इसीलिए अपने पिता का नाम मुझे साथ में लगाना पड़ रहा है। वो भले ही मुझे अपना बेटा न मानकर अलग कर सकते हैं, लेकिन एक बात सुन लो माँ, मैं उनका बेटा था, हूँ और हमेशा रहूंगा। सुन लिया? अपने बेटे को इससे बड़ा दुख और कोई नहीं दे सकता। उसके गलत काम करने की वजह से ही राशन कार्ड से उसका नाम मैंने कटवा दिया। मैंने समझ लिया था कि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि इस हद तक सोचूं। बाबूजी, सोने की वो चेन अरुण ने नहीं, इन्होंने चुराई थी। ये बात अरुण को भी पता है, लेकिन इस बारे में आज तक उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, ताकि इनकी इज्जत हमेशा बची रहे। बाबूजी, हमेशा बची रहे। नमस्ते नमस्ते नेताजी, नमस्ते। चाकू उठाने वाले को राजनीति में उतारने के लिए बुलाया है। खुश हो? इधर ला। सब लोग मुझे भगाते हैं और आप मुझे बुलाते हो साहब। आलम, तू जीत करा, मंत्री का पद दूंगा। उत्तर मुंबई क्षेत्र से तुझे कल नॉमिनेशन फाइल करनी है। फिक्र मत कीजिए, उत्तर मुंबई को दिखा दूंगा कि मैं कौन। ये आम चुनाव नहीं है आलम, अरुण से हमारा सामना है। बाद में फोन करने को बोल। भाई आपसे मिलने के लिए अरुण आया है। आने को बोल। सुन, चेक करके भेजना। क्यों रे, इतने मोबाइल का क्या करता है? कहीं लड़कियों का धंधा तो नहीं करता? हमारे पास भी एक दो लड़की भेजते। आ जा, बैठ जा। सुना है, चुनाव में जो खड़ा होगा उसे तो मार देगा। इतने लोगों को मारा है आज तक, जानता है ना मैं कौन हूँ? तुम बहुत बड़े गुंडे हो, बंदूक की नोक पर सबको डराते हो। तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? तो मुझे सही गलत सिखा रहा है? सही गलत नहीं सिखा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना। ए, किससे बात कर रहा है तू? शोलापुर में तू बहुत बड़ा गुंडा होगा, लेकिन मुंबई को मैं जानता हूँ। कहाँ पर वन वे है, कहाँ पर नो पार्किंग, कितने स्पीड ब्रेकर है, कितने सिग्नल है, मुझे पता है। अपनी आंखें बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके सीधे घर तक जा सकता हूँ, तू कर सकता है? ए, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैंने गांव का पानी पिया है बे। तू हसिया से गर्दन काटता है, मैं हसिया से खेलकर बड़ा हुआ हूँ। तू अपनी आंखें बंद करके यहाँ से शोलापुर जा सकता है, बोल। तू मुझे शोलापुर का रास्ता दिखाएगा? ए, अन्याय भगवान को, गलत बात अरुण को पसंद नहीं। मुझे देख कर बोल। क्या कर लेगा? मेरी आंखों में देख कर क्या कर लेगा तू? फेंक दे। अरे क्या रहा? तेरे सामने 4 बम फटे और कितने फटेंगे देखना चाहता है? इज्जत से वापस लौट जा, अगर नॉमिनेशन भरा तो काट के रख दूंगा। भाई इसी ने ही विठल को मारा था। मैं इन बम के खिलौने से डरने वाला नहीं हूँ। सभा की तैयारी करो। अपने आलम भाई का मैं अपने हाथों से माला पहनाकर मंच पर स्वागत करता हूँ। रात दिन मैं आप लोगों की भलाई के लिए लड़ता रहूंगा, कितने भी दुश्मन क्यों ना जाएं, मैं फिर भी जीत कर दिखाऊंगा। धन्यवाद। चोलापुर से आए अपने आलम शेख भाई का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। शेरों के शेर हैं, भैया सामने सब गीदड़ हैं, यही हमारे समाज के राजा हैं। समझाने के बाद भी गया नहीं तू यहाँ से? आने बे तो। अब देख, लाइट चली जाएगी। कौन है? जी को क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई? तेरा कटआउट फटेगा।
अरे क्या हुआ? तेरे नेता का कटा हुआ। भागो। अरे अरे करिए, आए तो बहुत। मेरी फिक्र छोड़ दे, अब स्टेज की बारी है, बच सकता है तो बच ले। डरकर भाग रहा है? कौन डरकर भाग रहा है? अभी जाकर 5 ट्रक में आदमी भर कर तुझे मारने के लिए भेजता हूँ। तू ट्रक की बात छोड़, तेरे आगे एक ट्रक जा रहा है, देख पीछे भी एक ट्रक है ना। आगे वाले ट्रक ने ब्रेक लगाया तो पीछे वाला ट्रक तेरी गाड़ी का क्या हाल करेगा? कहाँ पर है तू? पीछे मुड़ के देख, तू कार से आदमियों को मारता है, मैं ट्रक से कार में बैठे गुनहगारों को मारता हूँ। मारकर दिखाऊं? अरे मुझे छोड़ जरूर, मैं सिर्फ चाकू हसिया से खेलना चाहता हूँ, ये बमों का खेल मुझे नहीं आता, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जा तुझे छोड़ा। वो आदमी हार्ट अटैक का नाम लेकर हॉस्पिटल में लेट गया। उसके बाद शोलापुर का आलम शेख आया जो आऊं करके बात करने लगा, पर तुम्हारे भाई के डर से वो भी भाग गया। ये सब देखकर तुझे डर नहीं लगता? नहीं तो। इतनी हिम्मत से जो तू बोल रही है तेरी आंखों में नहीं दिखता। दीदी इन्हें कुछ ना हो इसलिए रोज भगवान से दुआ करती हूँ। उसे कुछ नहीं होगा, मेरे पति उसके साथ है ना, वो देख लेंगे। आलम बिना किसी को बताए यहां से चला गया। आपने तो शोलापुर से गुंडे को लाकर खड़ा किया था, वो भी यहाँ से डर कर भाग गया, उसकी वजह से पार्टी का नाम बहुत खराब हो रहा है। पार्टी का अध्यक्ष मैं हूँ, इसका ध्यान रखो। पार्टी में सब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है इस बार हमारी पार्टी से कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। नॉमिनेशन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अपनी ही जमीन पर सत्ता में होते हुए भी किसी को खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद खड़ा हूँ। जी आप? मैं खुद खड़ा हूँ। आपने आज तक चुनाव नहीं लड़ा लेकिन इस बार खड़े हो गए, क्यों सर? वक्त की जरूरत है सर, अरुण के पास जनता का सपोर्ट है, इसी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहते हैं? निकलो यहाँ से, निकल जाओ। ओए, तेरी पार्टी से कोई खड़ा नहीं हुआ तब भी अकल नहीं आई, अब तू खुद खड़ा हो रहा है? नॉमिनेशन भर के देख, उसी जगह पर मारूंगा। मैं 4 बजे नॉमिनेशन फाइल करने वाला हूँ, उसके पहले उसके परिवार वालों को मारना होगा। मेरे भाई को जहां पर फेंका था इसे भी वहीं पर फेंक दो। बेटा रविंद्र तुम्हारे लिए फोन है नेताजी का। बार बार मारने वाला गुंडा होता है, मौका देखकर मारने वाला राजनेता होता है, और मैं राजनेता हूँ। अब तू रोज रोएगा, आंसू बहाएगा। अपने भाई को तो नहीं बचा सका ना तू, समय पर पहुँचा तो जीजा को बचा लेगा, नहीं तो तेरा कोई जीजा भी नहीं बचेगा। अरे बेटा क्यों रो रही हो? रो मत बेटी, जाइए ना जाकर इसे गुब्बारा दिला दीजिए।
हेलो जी अजी, कहाँ पर हो? मेला देखने आया हूँ अरुण। साथ में और कौन है? साथ में तेरी दीदी और बच्चे हैं। हमारे आदमियों में से कोई है क्या? क्या हुआ अरुण, कोई खास बात है क्या? जी अजी, रविंद्र को मार दिया। पर किसने मारा उसे? जी अजी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ऐसे क्यों मार रहे हो? उन्हें किसी आदमी को मार रहे हैं। अरे रे, पेपर बॉय, कहाँ हैं जी आप? नीलिमा, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए? गाड़ी निकालो जल्दी। अजी अजी, उसे छोड़ना मत अरुण। नहीं नहीं छोड़ूंगा। उसे छोड़ दिया तो वो इन बच्चों को भी मार डालेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मां, एक बात जानता है, पत्नी गई तो पति अकेला हो जाता है। अब समझ गया होगा अगला कौन है। दीदी का ध्यान रखना, चलो जल्दी चलो। किरण कहाँ है? वो तो आपके घर गई है। रुको, सुनिए, रुको, तुम मत जा, रुक जा। सुनिए, रुक जाइए, वहाँ मत जाइए। बॉडी अभी हॉस्पिटल से नहीं आई है। किरण, रविंदर, दीदी देखो, देखो क्या से क्या हो गया। किरण देखो, नहीं क्या हो गया है? हाय हाय, क्या हो गया? मेरे बच्चों का क्या होगा? रो मत बहन, रो मत। तेरे पति को मैंने ही मारा था, जान से नहीं मारा था। वो मर गया, तुम्हें पता है। उसकी मौत से सिर्फ तुम दुखी हो, पर पूरा शहर खुश है। मैंने जो किया वो गलत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उसने कितने बच्चों को अनाथ किया। उस गुनहगार के लिए रोने के बजाय तुम उन अनाथ बच्चों का भला करो। राम बाबू के लोगों को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ये अदालत मुजरिम अरुण कुमार को सरेआम बीच सड़क पर दो लोगों को मारने और कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में पूछताछ के लिए 15 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजती है। गाड़ी रखो।
नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ये हजारों की भीड़ कहाँ से आ गई? नेताजी खुद खड़े हुए हैं ना, नेताजी जीतेंगे देखना। तो चलो फटाफट जिंदाबाद, नेताजी 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 जिंदाबाद, पीछे हटो, पीछे हटो, जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आइए नेताजी, नेताजी इस तरह आते सर। नमस्कार कलेक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। पहले तो हमारे हाथ में नेताजी के सामने जिंदाबाद के नारे लगा बोल रहे हैं, अब वो अंदर है तो भी नारे लगा रहे हैं। हेलो हेलो, बाहर खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो? अंदर जाओ, उसे मार रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सर कहाँ पर हो? जेल की ओर जा रहा हूँ। अरुण कहाँ है? यही है सर। झूठ मत बोलो, समाज पार्टी के अध्यक्ष का खून करके गया वो। जब वो मेरे साथ है तो वहाँ कैसे जा सकता है? ठीक है, बात करवाओ मुझसे। आईपीसी के नियम के तहत किसी कैदी को फोन देना मना है, आप चाहे तो खुद आकर देख सकते हैं, राइट सर? इडियट, केएस रोड पर हमारी वैन खड़ी है, उसी से चलते हैं। अरुण गाड़ी में नहीं, ये कंफर्म हो जाएगा तो मुजरिम साबित हो सकता है। इमीडिएट चेक पोस्ट को फोन करो। ओके सर। तुरंत यहाँ से भीड़ भाड़ आपके लिए इंस्पेक्टर का फोन है। कहाँ पर? हाईवे के पास हो सर। हाईवे पुलिस हमारा पीछा कर रही है, चेक पोस्ट आने से पहले तुम यहाँ पहुँच जाना। चेक पोस्ट से आप कितना दूर हैं? 6 किलोमीटर। और पुलिस से? 300 मीटर। मैं पहुँच जाऊँगा। गाड़ी यहाँ पे क्यों लगाया? अरुण कहाँ पर है सर? अरुण क्या हुआ सर? अरुण गाड़ी में ही है, मैंने देखा उसे। सर सर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।